हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ मोहम्मद इरशाद, सीनियर फैकल्टी जूलॉजी सीएलसी सीकर. आई वेलकम यू ऑल इन द सॉल्यूशन सेक्शन ऑफ बायो डीटीएस 2021. द टॉपिक टुडे इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी. इस टॉपिक में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर इंक्लूड है और साथ में जो है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट्स ऑफ फूड, वो वाला जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. पेपर जो है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि एनसीईआरटी के कंसेप्ट जो है वो उसमें कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहें और जुड़े रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिट्रोवायरस इज द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. अब अपने को ये पता है कि रिट्रोवायरस इस तरह के वायरसेस होते हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, वो डीएनए ना होके आरएनए होता है. अब वो बैक्टीरिया जो जो वायरस है जो इस प्रोसेस को इस्तेमाल करता है जिसमें आरएनए से डीएनए को डिजाइन किया जाता है. नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है जिसमें अपन नाम ले लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ये उल्टा ट्रांसक्रिप्शन है इसलिए नाम है एंजाइम का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. जैसे एचआईवी, अब इसके अंदर जो यूनिक एंजाइम है वो यही है. ये एंजाइम्स जो होते हैं इनकी प्रेजेंस आपको और कहीं पे भी मिल जाएगी. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका, रिट्रोवायरस का. रिट्रोवायरस ऐसा वायरस जो क्या कर रहा है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है. तो इसके अंदर जो यूनिक फीचर होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, अभिलक्षणिक गुण होगा, वो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. बाकी सारे एंजाइम्स आपको कई जगह मिल सकते हैं लेकिन रिट्रोवायरस के अंदर जो यूनिक फीचर है वो है किसका प्रेजेंस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस, जो आपको किसी दूसरे वायरसेस में नॉर्मली नहीं मिलेगी. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एड्स डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू. एड्स का जो ट्रांसमिशन है एक से दूसरे में किस मेथड से नहीं हो सकता, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बिल्कुल हो सकता है, वायरस जाएगा, है ना. सर्जिकल इक्विपमेंट्स एक बड़ा खतरा होते हैं जिनकी वजह से ये एचआईवी जो है एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है. मॉस्किटो बाइट जो है वो इसमें सही आंसर इसलिए है क्योंकि मॉस्किटो के अंदर जाने के बाद में ये वायरस पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता. इसलिए मॉस्किटो से ह्यूमन बींग में इसका ट्रांसमिशन जो है वो नहीं होता. तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एड्स डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस विधि से नहीं हो सकता है. तो नहीं हो सकता है तो मच्छर के काटने से नहीं होगा. अगर आपसे कोई पूछे साहब इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में चला जाएगा तो वो नहीं जाएगा. ठीक है, वजह मैंने बता दी आपको, क्योंकि मॉस्किटो के अंदर इस तरह का एनवायरमेंट होता है जो इस वायरस को जो है वो सर्वाइव नहीं करने देता. मैं आपको दूसरे वर्ड्स में अगर इस चीज को देखो, हर वायरस है, हर वायरस हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकता. कुछ वायरसेस होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर कंडीशंस होती है उसी में वो सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज वो पार्टिकल वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है. वायरस एक पार्टिकल होता है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज मॉस्किटो बाइट. मॉस्किटो बाइट से एचआईवी का ट्रांसमिशन नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आंसर. नेक्स्ट इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजींस. प्रोटो, प्रोटो मींस पहले, ऑन्को, ऑन्को मींस स्टडी रिलेटेड विद कैंसर. जीन्स, ऐसे जीन्स जो कि किससे रिलेटेड है, कैंसर से रिलेटेड है, ऐसे जीन्स क्या कहलाते हैं, ऑन्कोजींस. अब ये किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. इन इनएक्टिव फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट हैं तो क्या कहलाएंगे, प्रोटो ऑन्कोजीन. अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा प्रोटो ऑन्कोजीन के सक्रियण से हो सकता है. अब ये प्रोटो वर्ड जैसे आप हटा देंगे तो ये ऑन्कोजीन हो जाएगा, कैंसर कॉजिंग जीन्स है ना. तो एचआईवी इससे नहीं होगा, एड्स, टाइफाइड से नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन वो भी नहीं होगी. इससे कौन सी बीमारी होती है, वो है सेल का जो सेल डिवीजन पे जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा.
डिवीजन पे कंट्रोल खत्म होते ही क्या हो जाएगा, द सेल विल गेट कन्वर्टेड इनटू ए कैंसेरियस सेल और ए नियोप्लास्टिक सेल. सो द करेक्ट आंसर इज कैंसर. विच डिजीज इज कॉज बाय एक्टिवेशन, मींस प्रोटो वर्ड हटाते ही वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया. वो एक्टिवेट होते ही जो बीमारी उसके वजह से होगी वो कौन सी होगी, कैंसर होगी. ठीक है, इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर एचआईवी वायरस से कैंसर हो सकता है क्या, तो हो सकता है. हेपेटाइटिस बी वायरस से कैंसर हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर वायरल ऑन्कोजींस होता है. अपन उनकी बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटो ऑन्कोजींस की. तो प्रोटो ऑन्कोजींस कॉजेस कैंसर इनकेस दे गेट एक्टिवेटेड बाई एनी मीन्स. किसी भी तरह से अगर वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनसे कौन सी बीमारी हो जाएगी, हो जाएगी कैंसर. तो करेक्ट आंसर इज टू हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनकंट्रोल्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इज नोन एज, कोशिकाओं का अनियंत्रित अमीबिक समूह कहलाता है. तो ये आपको टर्म है कैंसर से रिलेटेड, ये कहलाती है न्यूप्लास्टिक ग्रोथ. क्या कहलाती है, न्योप्लास्टिक ग्रोथ कहलाती है. अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है, नियंत्रण खत्म हो चुका है सेल डिवीजन का, वजह चाहे जो भी रही हो किस वजह से खत्म हुआ है, लेकिन हाँ सेल डिवीजन का जो कंट्रोल होता है वो खत्म हो चुका है. और उस वजह से जो क्या कह सकते हैं ना, सेल्स का ग्रुप बन जाता है, वो सेल्स क्या कहलाती है, वो कहलाती है न्योप्लास्टिक सेल्स. तो कोशिकाएं क्या कहलाती है, न्योप्लास्टिक कोशिकाएं. और इनका जो समूह है, इनका जो ग्रुप है वो कहलाता है नियोप्लाज्म. ये है नियोप्लाज्म. हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको बता देता हूं. हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है किसी भी सेल का साइज इंक्रीज हो जाना. कोई भी चीज फूल गई, मान लीजिए आप रेगुलर वर्जिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मसल्स जो होती है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, फूल जाती है. अपन देखते हैं मस्कुलर बॉडी, तो वो हाइपरट्रॉफीड मसल्स होती हैं. हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है किसी भी सेल का साइज में एनलार्ज हो जाना. ओवरग्रोथ, ओवरग्रोथ का मतलब वो भी काफी कुछ इसी तरह से, ओवरग्रोथ का मतलब है कि सेल की नॉर्मल से ज्यादा ग्रोथ होगी, देन इट विल बी नोन एज ओवरग्रोथ, है ना. इडीमा का मतलब होता है सूजन, वो तो फ्लूइड की वजह से होता है, वो सेल्स की वजह से नहीं होता, वो फ्लूइड की वजह से होता है जो सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, है ना. फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाता है किसी भी वजह से, वजह कुछ भी हो सकती है, तो वो कहलाती है फिर कंडीशन इडीमा, जिसको अपन टेक्निकल वर्ड में इडीमा कहते हैं, साधारण भाषा में वो कहलाता है सूजन. तो अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल्स वो क्या कहलाएगा, नियोप्लाज्म. ये ग्रोथ कहलाएगी नियोप्लास्टिक ग्रोथ. ये क्या कहलाएगी, नियोप्लास्टिक ग्रोथ कहलाती है. करेक्ट आंसर इज वन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूमर एनक्लोज इन ए कैप्सूल इज, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन वाली जो ग्रुप था सेल्स का, उसके चारों तरफ एक कवर चढ़ गया, उसमें कनेक्टिव टिश्यू के एलिमेंट्स हैं और दुनिया भर के फाइबरस एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली कॉलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, इस तरह का वो सेल्स का ग्रुप होता है जिसके चारों तरफ एक कवर बन जाता है. तो वो कवर के साथ वो सेल्स कहलाती हैं बेनाइन सेल्स, क्योंकि वो कैंसेरियस प्रॉपर्टी उनकी एस्टेब्लिश नहीं हुई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो जो बेनाइन प्रॉपर्टी है वो कभी भी खत्म होके वो मैलिग्नेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. तो ट्यूमर अगर कैप्सूल के अंदर है तो कैसा हो जाएगा, वो बेनाइन ट्यूमर हो जाएगा, लोकलाइज्ड है, वो एक जगह स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा कहीं पे भी. वो जो है अगर मूव कर जाता है अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे, तो वो प्रॉपर्टी फिर कहलाएगी मेटास्टेटिक प्रॉपर्टी, है ना. कैप्सूल के अंदर जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती, वो अनडिफरेंशिएटेड रहती हैं, वो एक ही तरह की होती हैं, ठीक है. मैलिग्नेंट कब कहेंगे उसको, जब वो कैप्सूल को तोड़ के या कैप्सूल की किसी वजह से ब्रेक हो जाए, तो वो जो सेल्स हैं वो कैप्सूल से रिलीज होके वो दूसरी जगह चली जाएंगी, तो वो फिर कैसा हो जाएगा, दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा और वो क्या कहलाएगा, मैलिग्नेंट, है ना. मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि सेल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें कैंसेरियस सेल्स जहाँ पे वो ओरिजिनली बन गई हैं वहाँ से माइग्रेट करके या तो ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू बॉडी में किसी दूसरी जगह जाके अपना एस्टेब्लिशमेंट कर लेती हैं, ये प्रोसेस कहलाता है मेटास्टेसिस. तो यहाँ पे कैप्सूल के अंदर है तो क्या कहलाएगा, बेनाइन ट्यूमर, है ना, लोकलाइज्ड है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलियो रेबीज एंड मीजल्स आर डिजीजेस. अब ये बीमारियां हैं, इनमें अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोअल है, फंगल है. तो ये जो बीमारी है पोलियोमायलाइटिस वायरस, रेबीज वायरस, मीजल्स होती, मीजल्स का जो वायरस होता है उससे होती हैं, ये तीनों कैसी बीमारियां हैं, ये वायरल डिजीजेस का ग्रुप है. ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि कौन सी डिजीजेस बैक्टीरिया से हो रही हैं, कौन सी प्रोटोजोआ से हो रही हैं, कौन सी वायरस से हो रही हैं. ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. तो यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि ये बीमारियाँ पोलियो, रेबीज और मीजल्स, ये विषाणु जनित या वायरल डिजीजेज हैं जो कि वायरस से होती हैं. ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड ग्रुप ऑफ डिजीजेस. देखो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो भी मैंने डिस्कस किया था. आपको बीमारियों को लर्न करना है कि साहब ये ग्रुप बीमारियों का है वो बैक्टीरियल है, ये ग्रुप बीमारियों का है वायरल है, ये ग्रुप बीमारियों का है वो प्रोटोजोअल है, इस तरह से ये ग्रुप बीमारियों का है वो फंगल. अब जैसे पहले ग्रुप है ये बीमारियों का, डिजीजेस का ग्रुप है, इसमें नाम लिख रखा है रेबीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स. रेबीज वायरल डिजीज होगी, इन्फ्लुएंजा ये भी वायरल है, एड्स ये आप पढ़ते हो डिटेल में, ये भी HIV से होता है. तो ये कैसी होगी, तीनों वायरल. अपने को क्या ढूंढना है, ऑड ग्रुप ढूंढना है. अमीबियासिस प्रोटोजोअल एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, टॉक्सोप्लाज्मोसिस प्रोटोजोआ, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, दिस इज ए प्रोटोजोआ. ये इस तरह का पैथोजन है जिसका जिक्र है आपके NCERT में HIV से कॉज एड्स को जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें इसका नाम लिख रखा है. प्रोटोजोआ नहीं, अपॉर्चुनिटी प्रोटोजोआ होता है. कई बार जो घरों में लोग डॉग्स या कैट्स को पाल लेते हैं तो उनका जो एक्सक्रीटा होता है, उनका जो मल होता है, उससे ये फैलता है. टॉक्सोप्लाज्मोसिस वीक पैथोजन है, प्रोटोजोआ नहीं है. ब्रेन को अफेक्ट करता है, कई ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं टॉक्सो. ऐसे ये ट्रिप्नोसोमियासिस है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ये एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है, इससे स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है. ये कैसे डिजीज हो गई, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोआ. कमिंग टू टीनियासोलियम, टीनियासोलियम से हो जाएगा टीनियासिस, जिसको अपन पढ़ते हैं फाइलम प्लेटियल मेंथिस में, टेपवॉर्म. एस्केरिस एस्केरियासिस, ये भी एक हेलमिंथ है, ये भी एक हेलमिंथ है. एस्केरिस लुम्बरिकॉइडिस एक हेलमिंथ है. एलिफेंटियासिस ये होता है वुकेरेरिया बैंक्रोफ्टाइस है. तो वुकेरेरिया भी किसको बिलोंग करता है, फाइलम एस्केरिमेंथिस को, ये भी एक हेलमिंथ हो गया. तो ऑड ढूंढना है. अब ये कैंसर है, इसके तो 50 वजह हो सकते हैं. ट्यूबरक्लोसिस है, ये बैक्टीरियल है. टिटनस है, क्लोस्ट्रिडियम टिटनाइस होता है, ये बैक्टीरियल है. तो इसके अंदर ये ऑड हो गया, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 4. क्लियर. कैंसर इसमें ना बैक्टीरियल है, ना वायरल है, ना प्रोटोजोअल है, ये एक अलग तरह की बीमारी है. ये बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरियल है, बाकी आपको सब मैंने बता दिया. तो इसमें अपने को क्या ढूंढना था, ऑड. तो ऑड हो गया 4. तो करेक्ट आंसर इज 4. सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैंसर परिणाम हो सकता है, कैंसर किसका रिजल्ट हो सकता है, कैंसर क्यों हो सकता है, जीन म्यूटेशन से. जीन्स सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं. जिस भी सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उस पे जो जीन्स प्रेजेंट है, जो DNA का सेगमेंट है, वो उस सेल को रेगुलेट करता है. हर सेल की एक लाइफ स्पान होता है. जैसे अपन पढ़ते हैं RBCA 120 डेज बाद वो मर जाएगी. WBCs में आप कहते हो साहब जो इयोसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इनकी लाइफ होती है 1 दिन 2 दिन, इससे ज्यादा ये नहीं चलती. मैक्रोफेजेस जरूर जो है वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर तक चल सकती हैं. हर सेल की एक लाइफ होती है, उसका एक लाइफ स्पान होता है. अपन कहते हैं ओरल कैविटी है, तो ओरल कैविटी की सेल्स जो है वो दूसरे तीसरे दिन रिप्लेस हो जाती हैं. स्टमक की जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो दूसरे तीसरे दिन रिप्लेस हो जाती हैं. तो ये प्रोग्रामिंग होती है उस किसके अंदर, उस जीन के अंदर. अब गड़बड़ी किसके अंदर होती है उस प्रोग्रामिंग में. मान लीजिए लंग्स का केस है, तो लंग्स के केस के अंदर जीन की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो गई, तो उसके अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन हुआ. म्यूटेशन होते ही फिर वो सेल वो मरेगी नहीं, उसकी डेथ नहीं होगी. जितना जरूरी एक सेल का जिंदा बचे रहना होता है, उतना ही जरूरी उसकी डेथ होना होता है. अगर डेथ नहीं हुई सेल की टाइम में, जिसको अपन नाम दे देते हैं अपोप्टोसिस,
प्रोग्राम्ड सेल डेथ, अगर वो डेथ नहीं हुई तो वो सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी कैंसेरियस सेल के अंदर। तो जीन म्यूटेशन का रिजल्ट होता है कैंसर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और कंट्रोल्ड सेल डिवीजन से और हिटरोक्रोमेटाइजेशन से, इनसे कैंसर नहीं हो सकता। ठीक है, कैंसर किसकी वजह से होता है? जीन म्यूटेशन की वजह से होता है कैंसर। तो आंसर इज वन। Which of the following is not a bacterial disease? अब इसमें वापस वही आ जाती है, लर्निंग वाला पॉइंट है आपका कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी नहीं है। तो प्लेग ये यर्सिनिया पेस्टिस से होता है, बैक्टीरिया है। ट्यूबरक्लोसिस आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये भी बैक्टीरिया है। जेनिटल हर्पीस ये होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, इसको शॉर्ट में कहते थे अपन एच एस एंड वी कहलाता है। गोनोरिया आपको पता, निजेरिया गोनोरी, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज हो गई, ये भी बैक्टीरियल डिजीज हो गई, ये कैसा है? वायरल डिजीज है। एंड तो अपन ने पूछा क्या है? नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। तो ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी नहीं है? जेनिटल हर्पीज नहीं है, जो कि एक तरह की क्या है, एक तरह की एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जेनिटल हर्पीज। तो इसमें अंदर अपने को आंसर क्या टिक करना है? थ्री, जेनिटल हर्पीज ये एक बैक्टीरियल डिजीज ना होकर कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज। तो आंसर इज थ्री। अब इसके अंदर कह रहा है मैच द डिजीज इन कॉलम वन विद देयर पॉजिटिव पैथोजन इन कॉलम टू। आपको कॉलम मैच कराना है डिजीज और उसका पॉजिटिव पैथोजन से। अब जैसे ये पहली बीमारी है निमोनिया, तो निमोनिया का जो पैथोजन है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया होता है। सिफिलिस ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो होती है ट्रिपोनिमा पैलिडम्स, ये याद करना पड़ेगा, इसको कोई शॉर्टकट नहीं है। रिंगवर्म ये होता है फंगस एपिडर्मोफाइटम्स, और स्लीपिंग सिकनेस ये होती है प्रोटोजोअन ट्रिपनोसोमास। तो ये सही मैचिंग है। अब आप इसमें लगा लीजिए न्यूमोनिया सी, तो ये सी फर्स्ट में दे रखा है और फोर्थ में दे रखा है। फिर है सिफिलिस, सिफिलिस सेकंड है, इसके अंदर डी आएगा, ये डी इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। फिर आता है रिंगवर्म, ये होता है एपिडर्मोफाइटम, ये बी है इसके अंदर। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ नहीं, यहाँ पर ए लिख रखा है, तो यहीं पे आंसर निकल जाता है। फिर भी अपन एक बार और चेक कर लेते हैं, स्लीपिंग सिकनेस ये होती है ट्रिपनोसोमा से, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी फोर। फर्स्ट का डी, फर्स्ट का है सी, सेकंड का है डी, थर्ड इज बी एंड फोर्थ इज वन। तो यहाँ पर सही मैचिंग क्या हो गई? ऑप्शन फोर्थ, करेक्ट आंसर विल बी फोर। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये नाम अपन क्लास 10th में सुनते आते हैं, लाइसोजाइम्स है ना, 11th में पढ़ाया जाता है लाइसोजाइम्स, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, टीयर में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। ये बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि सेलेक्टेड बैक्टीरिया को अपने हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी की वजह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये बॉडी का नेचुरल एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है लाइसोजाइम्स की प्रेजेंट। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन में तो आप पढ़ते हो कि बैक्टीरिया को किल किया जाता है HCl से, यहाँ पे लाइसोजाइम नहीं होता। टीयर्स में होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर लाइसोजाइम नहीं होता, इंटेस्टाइन में अगर बैक्टीरिया पहुंच गया तो उसको डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी होती है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं पेयर्स पैचेस जो एक लिम्फाइड टिश्यू का पार्ट है, तो यहाँ पर भी नहीं है लाइसोजाइम। नेजल सिक्रीशन, नेजल सिक्रीशन में होता है बेटा सिर्फ म्यूकोस, इसमें कोई लाइसोजाइम नहीं होता। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर भी कोई लाइसोजाइम नहीं होता। तो बचता क्या है? टीयर्स, आंसू और सलाइवा। टीयर्स और सलाइवा ये दो ऐसे बॉडी के सिक्रीशंस हैं जो क्या कैरी करते हैं अपने साथ में? लाइसोजाइम्स, लाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो क्या कर देगा? बैक्टीरिया को ब्रेक कर सकता है। तो आंसर विल बी फोर, टीयर एंड सलाइवा, अश्रु तथा लार, ये
लाइसोजाइम यहीं पर होता है। ये आपको कई चीजें इसके अंदर पता होनी चाहिए, है ना, कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट वो भी आपको आना चाहिए, और ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आप पढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन होता है स्टमक के अंदर, पैंक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट में बाइकार्बोनेट होते हैं, वाटर होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो एक बार अगर आपको सब्जेक्ट की थोरो जो स्टडी वो अगर कर रखी है आपने एनसीईआरटी की और क्लास नोट्स वगैरह की, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बड़े इजीली कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज की चाहिए जरूरत है इसकी। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का मतलब ये है कि आपको सारी बात पता होनी चाहिए, है ना, तब जाके आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपन ये सोचेंगे साहब इसी चैप्टर में से कहीं ना कहीं से जुड़ा होगा क्वेश्चन, तो इसी चैप्टर का तो फिर वो बड़ा दिक्कत हो जाता है, वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे उसको। तो यहाँ पर ये चीज़ जरूरी है कि एक चैप्टर की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है वो पूरी होनी चाहिए, उसको आपको दूसरे टॉपिक से लिंक करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीवर कॉज बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इज। देखिए प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है, एक स्पोरोजोइट। अब प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलीज की बाइट से एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब मान लीजिए प्लाज्मोडियम की चार स्पीशीज है, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। तो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से द डेडलीस्ट प्लाज्मोडियम स्पीशीज। इसके थ्रू जो मलेरिया होता है, बुखार तो वही तीसरे दिन आएगा, 48 आवर्स के बाद आएगा, टर्शियन नाम जुड़ा ना देखिए, बुखार तो इसमें कैसा आएगा, 3 दिन बाद आएगा प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम से। फीवर रिपीटेड आफ्टर 48 आवर्स, 48 मतलब 2 दिन बाद, यानी कि तीसरे दिन, इसलिए वर्ड जुड़ गया इसके आगे टर्शियन। टर्शियन का मतलब है तीसरे दिन। अब बेनाइन का मतलब है, बेनाइन का मतलब है लोकलाइज्ड, एक जगह पे फिक्स। मैलिग्नेंट का मतलब है कि वो जो डैमेज हुआ है, वो डैमेज कॉजिंग जो सब्सटेंस है, चाहे वो सेल हो चाहे वो पैथोजन हो, वो दूसरी जगह फैल गया है, वो स्प्रेड हो गया है। तो यहाँ पर स्प्रेड हो जाता है, कई ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स ब्रेन, इट अफेक्ट्स किडनीज, इट अफेक्ट्स हार्ट, ये सबको अफेक्ट कर सकता है, इसलिए नाम हो गया इसका मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। सबसे खतरनाक मलेरिया है जो कॉज करता है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। बुखार कितने दिन में आता है, कब कब ही लग के, हर 48 आवर्स के बाद, यानी कि 48 आवर्स बोले तो 2 दिन बाद, यानी कि तीसरे दिन, इसलिए मलेरिया का नाम हो गया टर्शियन मलेरिया। ठीक है, तो ये सिंपल मलेरिया और क्वार्टर मलेरिया से नहीं होते, एनसीईआरटी का है, सीधा उसमें लिख रखा है मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, क्वार्टर मलेरिया में देखिए 4th दिन बुखार आएगा, इसलिए क्वार्टर मलेरिया होता है वो दूसरे प्लाज्मोडियम की स्पीशीज से होता है। आपसे पूछा गया फाल्सिपेरम, तो फाल्सिपेरम से जो मलेरिया हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्यों, क्योंकि ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है, लिवर के अलावा है। लिवर में शायद वो नहीं होगी, उसको आप रोक नहीं सकते, वो तो वाइवैक्स में भी होगी, मलेरिया में भी होगी, ओवेल में भी होगी, तो फाल्सिपेरम में भी होगी, लेकिन लिवर के अलावा जो दूसरे ऑर्गन्स जो हैं वो अगर डैमेज होते हैं तो मलेरिया क्या कहलाता है, मैलिग्नेंट। मोर देन वन ऑर्गन इज इन्वॉल्व्ड देन इट इज नोन एज मैलिग्नेंट। तो ये मलेरिया का कौन सा टाइप है, टर्शियन मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, बड़ा खतरनाक होता है, ब्रेन को अफेक्ट कर देता है, है ना, तो जानलेवा हो सकता है। आंसर इज 2। नेक्स्ट, ट्रिपैनोसोमा बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। अब वापस वही बात आ जाती है कि ये क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी के इस चैप्टर में तो नहीं दे रखा, बिल्कुल सही है नहीं दे रखा, लेकिन एनसीईआरटी 11th में दे रखा है। आप समझना, एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज वो जरूरी है। अब एक आपने एनिमल डायवर्सिटी पढ़ते हैं, एनिमल डायवर्सिटी में एक चैप्टर है जो शुरू में है, ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है 11th का, जिसमें अपन सिस्टमेटिक्स पढ़ते हैं सारा, उस सिस्टमेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें दे रखी हैं, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं सारा प्रोटोजोआ को। एनसीईआरटी में प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ उसको इंक्लूड किया हुआ है वो प्रोटिस्टा के अंदर, है ना, किसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, प्रोटिस्टा के अंदर। तो जहाँ पे प्रोटिस्टा का डिस्क्रिप्शन है वहां पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है,
ट्रिपनोसोमा। अब ये ट्रिपनोसोमा ये इस तरह का है, ये इसका फ्लैजिला होगा सिंगल, ये इसका फ्लैजिला, ये होता है इसका न्यूक्लियस। स्पोरोजोन आप पढ़ते हो प्लाज्मोडियम, टॉक्सोप्लाज्मा ये स्पोरोजोन है। सीलिएट्स में आप पढ़ते हो पैरामीशियम, ओपेलाइना, राइजोपोड्स इसके अंदर आ जाता है अमीबा, फ्लैजिलेट्स ये आपके सामने जिसमें लोकोमोशन होता है फ्लैजिला से, जैसे यूग्लिना वो भी एक फ्लैजिलेट है, और ट्रिपनोसोमा जिससे जो डिजीज हो रही है स्लीपिंग सिकनेस बॉडी के अंदर ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो वो एक कैसा है एक फ्लैजिलेट है। ये दे रखा है आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी में। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे 4, इट इज ए फ्लैजिलेट, इसके अंदर लोकोमोशन होता है फ्लैजिला की हेल्प से, है ना, सेट सी फ्लाई से होता है ना ये। ये इसका वेक्टर है ट्रिपनोसोमा का, जिससे फैलता है, तो यहां पर सही आंसर है फ्लैजिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वुड बी, शब्द स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है, इसकी सबसे उचित परिभाषा क्या होगी। अगर अपन सीधा बात करें तो ये आपकी बुक की लैंग्वेज है, वहां से लिया गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन ए बैलेंस कंडीशन, हालांकि बात ठीक है लेकिन ये अधूरी है, ये इनकम्प्लीट बात है, है ना। ये स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराते हुए चेहरे से क्या हेल्थ शो की जा सकती है, क्या लिख रखा है यहाँ पे, तो ये आधी अधूरी बातें हैं सारी। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक और सामाजिक सलामती की स्थिति है, यानी कि व्यक्ति सामाजिक रूप से, समाज इसके अंदर आ गया क्योंकि आप कहाँ रहते हो, घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, परिवार किससे जुड़ा है, बाहर कॉलोनी से जुड़ा है, कॉलोनी समाज से जुड़ी हुई है, तो ये सारी चीजें आपकी हेल्थ से जुड़ी रहती हैं। अगर एक व्यक्ति बीमार होता है पूरा परिवार प्रभावित होता है, परिवार प्रभावित होता है तो वो धीरे धीरे वो जो होती है डिजीज, आप जैसे आजकल देख रहे हैं कोविड का उतना खतरनाक है, पूरा सोसाइटी को उसने तबाह करके रख दिया। तो यहाँ पर फिजिकल तो है ही है, फिजिकल खराबी तो होगी होगी, मेंटल स्टेट क्यों खराब हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल है मानसिक तनाव होगा तो नेचुरल है मेंटल स्टेट जो है वो भी खराब हो जाएगी, और सोशल वेलबींग, ये सब सारी चीजें जब अच्छी होंगी ना, कि फिजिकल फिटनेस भी है, जेब में पैसा भी है तो सोसाइटी में थोड़ी रेस्पेक्ट भी रहेगी, मानसिक सुकून भी रहेगा, दिमागी जो है सुकून वो भी जरूरी है, तो सब चीजें जब मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, इसको अपन कहते हैं कंप्लीट हेल्थ। आज की तारीख में जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, करेक्ट आंसर विल बी 3। चौथा है हेल्थ इज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नो डाउट पैसा सब चीज के लिए जरूरी होता है लेकिन हेल्थ के साथ में ये बात अधूरी रहेगी, इसलिए पूरी बात जो आपकी बुक में लिख रखी है वो कौन सी है, वो दे रखी है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पर स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक और सामाजिक सलामती की स्थिति है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा यहाँ पे, करेक्ट आंसर विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 15, द प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट दैट कॉजेज इन्फेक्शन व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स ए ह्यूमन बीइंग आर फॉर्मड इन। अभी पूछते हैं जब एक मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य को काटती है तो ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं ये जो मनुष्य के अंदर रक्त के अंदर ट्रांसफर करती है वो मादा एनोफिलीज, ये बनते कहां पर है, फॉर्म्ड इन बनते कहां पर है। तो प्लाज्मोडियम एक डायजेनेटिक पैरासाइट है जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर पूरी होती है, इंसान यानी कि ह्यूमन बींग वो प्राइमरी होस्ट है, एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक सेकेंडरी होस्ट है। अब आप लोग देखें कि जब गेमिटोसाइट सेल्स ह्यूमन आरबीसी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं तो एक फीमेल एनोफिलीज जब ब्लड सक करती है तो उस केस के अंदर वो ब्लड के साथ में कहाँ चला जाएगा, वो फीमेल एनोफिलीज के बॉडी के अंदर चला जाएगा, उसकी एलिमेंट्री कैनाल या उसकी गट में चला जाएगा, गेमिटोसाइट सेल वहां जाके वो गेमिट्स बनाएगा, मेल गेमिट बनेंगे फीमेल गेमिट बनेंगे, दिखने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ये गट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं से बन के फिर ये निकलता है,
तो अल्टीमेटली जो कह रहा है ये इनका लीवर में, ह्यूमन लीवर में तो नहीं बनता है, ह्यूमन लीवर में तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, शाइजोगोनी होती है वहां पे। आरबीसी ऑफ मैन यहाँ पे भी ये इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी होती है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। स्पोरोजॉइड्स जो होते हैं वो गट जो होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल, उसके अंदर बनते हैं। सैलिवरी ग्लैंड में तो आके वो रहने लग जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर कि वो बनते कहाँ पर, वो निर्मित कहाँ होते हैं, तो निर्मित तो मच्छर की आहार नाल में होते हैं, गट में होते हैं, उसके क्रॉप सही मायनों में जो ऑर्गन है जिसको अपन उसका स्टमक कह सकते हैं वो है क्रॉप। तो क्रॉप के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है, वहां से बन के निकलते हैं और बन के निकलने के बाद इकट्ठे यहाँ हो जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड में आके। तो अपन ने पूछा निर्मित कहाँ होते हैं, तो निर्मित हो रहे हैं गट ऑफ मॉस्किटो। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल हो रही है ये सेक्सुअल वाली, आंसर इज थ्री, सैलिवरी ग्लैंड में आके इकट्ठा होता है ताकि वो जब बाइट करती है एक हेल्दी पर्सन को तो उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो होती है ना उसका एक अच्छा जो है नॉलेज होना जरूरी है। 15 में आंसर विल बी थ्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के संक्रामक रोगों के समूह को चुनिए जो एक वाक कीट द्वारा फैलते हैं। इंसेक्ट वेक्टर, इंसेक्ट में कौन आ गया, मॉस्किटोस एंड फ्लाइज। मॉस्किटोस एंड फ्लाइज, तरह तरह की मक्खियां, तरह तरह के मच्छर। स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है जो कि ड्रॉपलेट से फैलती है। किससे फैलती है, ड्रॉपलेट्स या फिर फोमाइट बॉर्न। डेंगू जो है ये मॉस्किटो से फैल रहा है, अमीबियासिस ये मक्खियों से फैल सकता है, गंदे खाने पे गंदे पानी से एक जगह से दूसरी ट्रांसफर करती हैं। टाइफाइड ये भी वही है, फ्लाइज जो होती हैं घरेलू मक्खियां वो इसको गंदगी को फैलाती हैं जगह से दूसरी जगह। कॉलेरा अगेन इट कैन बी स्प्रेड बाय फ्लाइज, मक्खियों से गंदगी फैलती है एक जगह से दूसरी जगह। डायरिया अगेन इट कैन बी स्प्रेड बाय फ्लाइज, ठीक है ना। रिंग वर्म जो होते हैं ये फोमाइट बॉर्न है, ये किससे होता है, फोमाइट्स होता है कपड़े या दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उनके थ्रू ये फैल सकता है रिंगवर्म, ये इंसेक्ट से नहीं फैलता। स्वाइन फ्लू ये भी एक तरह का ड्रॉपलेट डिजीज है, तो अगर आप इसमें सेलेक्ट करें तो बी सी डी ई और ये एफ, ये जो होते हैं वो एक इंसेक्ट वेक्टर से स्प्रेड हो रहा है, ये एक ड्रॉपलेट है, ये स्वाइन फ्लू, और एक होता है फोमाइट बॉर्न, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट उनसे फैलता है रिंगवर्म में। मॉइस्ट एनवायरमेंट के अंदर, नमी वाले एनवायरमेंट के अंदर जहां थोड़ी सी हीट है वहां पर ये ट्राइकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन जितने भी फंगस है आपके बुक में लिख रखे हैं ये उससे फैलते हैं रिंगवर्म, तो ये मच्छर मक्खी से नहीं फैलता है। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड, बी सी डी ई एंड एफ। तो यहाँ पर ये मच्छर और मक्खी से फैलने वाले रोगों का जो समूह है वो है सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, बी सी डी ई एंड एफ। करेक्ट आंसर विल बी टू। इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाय, एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किससे होता है। अब एस्केरिस के अंडे होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो दो तरह से जा सकते हैं मेनली, या तो जाते हैं वो किसके थ्रू, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू, या फिर जाते हैं वो जो है मेनली कंटेमिनेटेड फूड को अपन कहते हैं सब्जी को फल को बिना धोए खा लिया,
हर ढंग से प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया, उससे फैलता है। तो इम्परफेक्टली कुक्ड मीट, अधपके मांस को खाने से, अधपके मांस के खाने से एस्केरिस के अंडे शरीर में नहीं जाएंगे, क्योंकि मांस को अगर अपन अधपका छोड़ देंगे तो बेसिकली उसके अंदर एस्केरिस होता ही नहीं है, अंडे तो होते ही नहीं उसके अंदर, है ना। इसकी वजह से तो दूसरी बीमारी होती है, जैसे ट्रिकिनेला, वो फैलता है इससे, ट्रिकिनियोसिस हो जाता है उससे, ये नहीं होगा इससे। बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से एस्केरिस के अंडे ट्रांसफर नहीं होते। कंज्यूमिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस, बिल्कुल साफ सरल सा क्वेश्चन है कि एस्केरिस के अंडे जो है वो शरीर के अंदर जो है दूषित जल या भोजन के साथ प्रवेश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तीन। फल अगर सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसके अंदर एस्केरिस के अंडे नहीं रहते। तो शरीर नेचुरली जब फल और सब्जी गल जाएगी, सड़ जाएगी, तो उसके अंदर एस्केरिस के अंडे जो है वो अपन वैसे ही नहीं खाएंगे, तो शरीर में कैसे जाएंगे। शरीर में अज्ञानता, या यूं कह सकते हैं ना कि किसी चीज के बारे में पता नहीं होना, अनभिज्ञ होना सही शब्द है, अनभिज्ञ होना, इग्नोरेंट होना। तो इग्नोरेंस की वजह से बिना प्रॉपरली फूड और वाटर को अपन बिना साफ के अगर इस्तेमाल करते हैं, उसके थ्रू ही अंडे जा सकते हैं। तो कंज्यूमिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस, बिल्कुल साफ आंसर है इसके अंदर, थ्री। डिकम्पोज होते हुए सड़े गले फल सब्जी अपन वैसे ही नहीं खाते, तो इससे एस्केरियासिस नहीं होता, आंसर इज थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड, निम्न में से कौन सा सामान्य जुकाम का लक्षण नहीं है। तो जुकाम सबको जिंदगी में एक आध बार हो चुका होता है, तो अपने को सबको पता है कि जब जुकाम होता है तो नेजल सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, नेजल म्यूकोसा इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना। कंजेशन इन चेस्ट, सीने में जकड़न, अब सीने में जकड़न बेसिकली जब होगी, जब हार्ट या लंग्स, क्या बोला मैं, या तो हार्ट या लंग्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, तो ये सीने में जकड़न होती है। तो सीने में जकड़न निमोनिया या यूं कह सकते हैं ना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट डिजीजेस के अंदर हो सकती है, या लंग्स जहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज्यादा, वहां पे सीने में जकड़न हो सकती है। इसके अंदर नहीं होगी, कॉमन कोल्ड में नहीं होगी जकड़न। हल्का बुखार रहेगा, बदन दर्द रहेगा, गले में खराश हो सकती है, ये जुकाम के लक्षण है। जुकाम के लक्षण कौन सा नहीं है, which is not the symptom of common cold, तो not में तो क्या जाएगा, congestion in chest, सीने में जकड़न, ये जुकाम का लक्षण नहीं होता। बाकी nasal secretion बढ़ जाएंगे वायरस की वजह से, है ना, बॉडी में अंदर वायरस लोड होगा तो वीकनेस आएगी, हाथ पैर दुखेंगे, बुखार आएगा, गले में खराश भी हो सकती है, लेकिन सीने में जकड़न जुकाम में नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे सेकेंड, क्लियर। मलेरिया का अभिलाक्षणिक लक्षण है, द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मलेरिया इज, तो मलेरिया में तो बिल्कुल आपको आजकल तो बहुत ही जल्दी ये चीजें बता दी जाती हैं छोटी क्लास में, कपकपी लग के बुखार आता है, कपकपी लग के बुखार आना मलेरिया बुखार का लक्षण है, अस्पतालों के बाहर लगा रखता है बोर्ड में, उस पर भी ये चीजें कई बार लिखी रहती है, मलेरिया के लक्षण है, मच्छर से रोकथाम कीजिए, मच्छरदानी लगाइए, आसपास मच्छरों को इकट्ठा मत होने दीजिए। तो मलेरिया का लक्षण जो है वो होता है कपकपी लग के बुखार आना, है ना, फीवर विद चिल्स। बॉडी एक तो देखिए 500 बीमारियां हैं जिनमें बॉडी एक होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी बॉडी एक होगा, वायरल इन्फेक्शन है तो भी बॉडी एक होगा, कोई दूसरी आम समस्या हो गई तो भी शरीर दुखेगा, बहुत दिनों से नींद ढंग से नहीं आई तो भी बॉडी एक हो जाएगा। तो बॉडी एक तो इसके अंदर नहीं, वोमिटिंग अगेन, खराब खाना खा लिया तो भी वोमिटिंग हो जाएगी, मलेरिया में वोमिटिंग हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो गया तो भी वोमिटिंग हो सकती है, दवा का साइड इफेक्ट हो गया तो भी वोमिटिंग हो सकती है, इस पर आप दिन भर भाषण देते रहो तो भी कम नहीं होंगे वजह। फीवर, हर चीज का सिम्टम सबसे पहले फीवर, कोई भी इन्फेक्शन हुआ सबसे पहले क्या आएगा, बुखार, कैंसर हो गया मान लीजिए ब्लड कैंसर, उसमें के अंदर ही बुखार, तो बुखार का आना ये मलेरिया का लक्षण नहीं, लेकिन बुखार अगर कपकपी लग के आ रहा है, चिल्स के साथ आ रहा है, तो फिर ये मलेरिया शो करता है, इसके अंदर वो टॉक्सिक सब्सटेंस है हीमोजोइन, वो रिलीज होता है आरबीसी से, हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से बनता है वो हीमोजोइन, प्लाज्मोडियम की जो है करतूत होती है, और उसकी वजह से कपकपी लग के बुखार आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, थ्री, फीवर विद चिल्स, कपकपी लग के बुखार आना मलेरिया का अभिलाक्षणिक गुण, क्योंकि बाकी सब चीजें और कई जगह हो रही है लेकिन कपकपी लग के बुखार मलेरिया में आता है ज्यादा।
अब अपन से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डाइजेनेटिक पैरासाइट, द पैरासाइट विच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, दो परपोषियों में, हिंदी में बता रहा हूं आपको, दो परपोषियों में जीवन चक्र पूरा करने वाले परजीवी कहलाते हैं द्विपरपोषी परजीवी। ये कह रहा द्विपरपोषी नहीं, नॉट वो केरेरिया, इसके अंदर एक मॉस्किटो है एक ह्यूमन बींग, डाइजेनेटिक हो गया। प्लाज्मोडियम अगेन मॉस्किटो एंड ह्यूमन, वो डाइजेनेटिक हो गया। एंड अमीबा ये सिर्फ ह्यूमन बींग, मच्छर में इसका कोई या मक्खी में इसकी कोई लाइफ साइकिल की कोई स्टेज नहीं होती। पेसियोला हिपेटिका, इसके अंदर जो होता है एक होता है स्नेल और एक होता है इसके अंदर शीप, भेड़ या गोट, बकरी या फिर हॉर्स, इस तरह के जो दूसरे एनिमल्स हैं इसकी लाइफ साइकिल भी दो होस्ट में पूरी होती है। तो इस तरह का पैरासाइट जिसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरी हो रही है, जिसका जीवन चक्र दो होस्ट के अंदर पूरा हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? द्विपरपोषी परजीवी। तो द्विपरपोषी परजीवी कौन सा नहीं है? एंटमीबा। अब एंटमीबा की लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन बींग में ही कंप्लीट होती है और ह्यूमन बींग से ही शुरू होती है, तो ये कहलाएगा मोनोजेनेटिक पैरासाइट। ये क्या कहलाएगा? मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहलाएगा। हिंदी में अपन क्या कहेंगे इसको? ये कहलाता है एक परपोषी परजीवी कहलाएगा। तो आंसर क्या हो गया यहां पे? 3। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज 3। नेक्स्ट, पैरासाइट दैट लिव इन द गट ऑफ ह्यूमन डज नॉट पजेस, बड़ा अच्छा सवाल है। परजीवी जो मनुष्य की आहार नाल में रहता है उसमें क्या नहीं होगा? अगर एलिमेंट्री कैनाल में रह रहा है तो स्टमक की लो पीएच होती है, उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी, उसको सहन करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ये तो होना चाहिए, है ना, ये तो होगा उसके अंदर अगर उसको सही सलामत रहना है तो। लो पीएच के लिए रेजिस्टेंट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, मीन्स बॉडी के अंदर एक से ज्यादा ऑर्गन्स के अंदर वो जा सकता है। एलिमेंट्री कैनाल से रिलीज होकर वो ब्लड में आ सकता है, वो लिवर में जा सकता है, स्प्लीन में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, ये कई ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये एक अच्छे पैरासाइट की खूबी होती है, अच्छे पैरासाइट की निशानी होती है कि ठीक है। अब अपन से पूछे थर्ड ऑप्शन, ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट। मान लीजिए ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल में टीनिया सोलियम चला गया, तो टीनिया सोलियम चला गया तो उसके पास में बॉडी का जो आगे का उसका हिस्सा होता है ये कहलाता है स्कोलेक्स। ये क्या कहलाता है बेटा? स्कोलेक्स कहलाता है। इस स्कोलेक्स पे ये होते हैं हुक्स और इस तरह से ये होते हैं सकर्स, ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट। अगर ये अटैचमेंट के ऑर्गन नहीं होंगे तो ये कैसे अटैच होगा? ये भी होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है भाई। आप ये मानो आप मेहमान हो, किसी दूसरे के घर खाना खाने जा रहे हो तो खाना साथ में लेके थोड़ी जाओगे यार, खाना तो वो खिलाएगा जिसके घर आप मेहमान बन के जा रहे हो। एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत कब पड़ेगी? जब फूड को लेके, फूड को इंजेस्ट करके उस फूड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब फूड को डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि बॉडी की सरफेस से, ये मान लीजिए एक टीनिया सोलियम मैंने बनाया, इसकी सरफेस से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्स हो, न्यूट्रिएंट्स ये बॉडी की सरफेस एब्जॉर्ब करेगी, तो वेल डेवलप्ड डाइजेस्ट सिस्टम की जरूरत ही नहीं है।
डाइजेस्ट सिस्टम तो वेल डेवलप्ड जब होता है जब फूड को रॉ लिया जाए, कच्चा लिया जाए, उसको लेके चबाया जाए, उसको हजम किया जाए, डाइजेस्ट किया जाए, तब जाके कॉम्प्लेक्स डाइजेस्ट सिस्टम की जरूरत होती है। अब ये तो पैरासाइट है, अब पैरासाइट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो अगर ह्यूमन गट में रह रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में रह रहा है, तो लो पीएच के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है उसकी, एक की जगह दो दो होस्ट होते हैं, दो दो तीन तीन जगह पर रह सकता है। ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट जैसे मैंने बताया ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डाइजेस्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होती क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की सरफेस से एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। ये एक अच्छे पैरासाइट की निशानी होती है, उसके अंदर पूर्ण विकसित पाचन तंत्र नहीं होता, अनुपस्थित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा हमें, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरियासिस मेनली अफेक्ट्स विच सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस, बुक एरिया बैंक्रॉप्टाइड। ये फीमेल मॉस्किटो मादा मच्छर के काटने से मनुष्य के अंदर चला गया और इसने जो है उसको इंक्लूड किया किसके अंदर, ब्लड में, और ब्लड से फिर ये कहां चला गया, ये चला गया लिम्फेटिक्स के अंदर, हिंदी में लसिका तंत्र के अंदर ये चला जाता है। तो लसिका तंत्र के अंदर जाके लिम्फेटिक्स को जाके ये ब्लॉक कर देता है, अवरुद्ध कर देता है, और ये जो ब्लॉकेज होता है, ये जो अवरोधन होता है, ये एक अनुत्क्रमणीय क्रिया, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वंस द लिम्फेटिक नोड और लिम्फ वेसल इज ब्लॉक, एक बार लिम्फ वेसल ब्लॉक हो गई बुकेरिया की वजह से, तो वो फिर रिपेयर नहीं होती, वो डैमेज हो जाती है, बुरी तरह से डैमेज होती है और लिम्फ उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, और उसकी वजह से फिर ये बॉडी की जो लिम्फ्स हैं, ग्रॉइंस हैं, जांघें हैं और सेक्स ऑर्गन्स, ये सारे उनके अंदर जो है लिम्फेटिक्स के अंदर एक तरह का फ्लूड इकट्ठा होने की वजह से बहुत ज्यादा साइज इनका इंक्रीज हो जाता है, तो वो फिर डिजीज कहलाती है एलिफेंटियासिस, फीमेल मॉस्किटो से जो है स्प्रेड होता है, लिम्फेटिक्स इसके अंदर अफेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें अफेक्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट सिस्टम इसमें अफेक्ट नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा तो पहले ब्लड में ही, लेकिन ब्लड के फ्लो का प्रेशर ज्यादा होता है। आप यूं समझिए ये मल्टी सेलुलर है बुकेरिया, ये यूनिसेलुलर, ये फ्लैजिलेट या सीलिएट या प्रोटोजोआ नहीं है बुकेरिया, ये एक मल्टी सेलुलर है। माइक्रोफाइलेरी लार्वे होते हैं जो इसको जो है बीमारी की वजह बन जाते हैं, मच्छर के काटने से बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो जो लार्वल स्टेजेस होती हैं इसके अंदर वो एक के बाद एक कई बार मोल्ड होता है। तो ये सारा प्रोसेस अगर ब्लड में घूमेगा ना तो पॉसिबल नहीं है, लिवर में ये जाता नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई कहाँ करता है, लिम्फेटिक्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है। तो इसके अंदर कौन सा सिस्टम अफेक्ट होगा, लिम्फेटिक्स। तो करेक्ट आंसर इज फोर। हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट कहाँ जाते हैं, सीधा ब्लड, आधा घंटे के अंदर गायब हो जाता है, बिल्कुल विद इन हाफ एन आवर। स्पोरोजाइट्स जो होते हैं ये बॉडी के अंदर विद इन 30 मिनट्स ये कहां चले जाते हैं, लिवर में चले जाते हैं। तो सीधे कहां जाएंगे, लिवर में। तो करेक्ट आंसर हो गया यहां पे टू। स्प्लीन में बाद में जाएंगे, मरने के बाद में फिर वो सारा प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल एकदम लास्ट का है, आरबीसी में शुरू में नहीं जाएगा, बाद में जाएगा, लिम्फ नोड्स के अंदर नहीं जाता ये, स्प्लीन में तो डेड आरबीसी जाती हैं बेसिकली, है ना। तो इसकी लाइफ साइकिल ह्यूमन बींग में दो जगह होती है, आपने पढ़ रखी है, एक तो होती है लिवर में या फिर होती है आरबीसी के अंदर। इनिशियली आरबीसी में नहीं होती, आरबीसी में होती बाद में, पहले होती लिवर के अंदर, उस पीरियड में करीब एक वीक से ज्यादा का टाइम लग जाता है। तो ये करेक्ट आंसर यहां पर हो गया टू, ये रक्त यकृत। सिंगेमिंग प्लाज्मोडियम टेक्स प्लेस इन, प्लाज्मोडियम में सिंगेमी, सिंगेमी का मतलब होता है नर और मादा युग्मक का मिलना, इसके अंदर मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट, ये फ्यूजन होता है मॉस्किटो के गट के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड में नहीं होता, ये कहां होता है, इन गट ऑफ मॉस्किटो।
इनका जो फ्यूजन है उससे जायगोट फॉर्मेशन होगा इन गट ऑफ मॉस्क्विट, मच्छर के अंदर ये प्रोसेस होता है और उसके गट के अंदर होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, आहार नाल के अंदर होता है। तो आंसर क्या हो गया यहां पे, गट ऑफ मॉस्किट। ह्यूमन लीवर में तो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है, आरबीसी के अंदर एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है, सैलिवरी ग्लैंड में तो जाके वो स्पोरोजाइट इकट्ठे होते हैं लास्ट में जाके। तो ये प्रोसेस कहां हो रहा है, मच्छर के आहार नाल में, गट ऑफ मॉस्किट। आंसर क्या हो गया यहां पे, सेकंड। चलिए नेक्स्ट, रिंगवर्म लीजंस ऑन स्किन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जहां पे भी लीजन होते हैं ना, मान लीजिए ये स्किन है, मेरे हाथ की स्किन है, यहाँ पे रिंगवर्म हुआ, खासतौर से ये बीच की जगह जो होती है, उंगलियों के बीच की जगह होती है, यहाँ पर ये इंफेक्शन होता है। अब ये बीच की जगह में क्यों होता है, खासतौर से पैर की जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में होता है ज्यादातर, या फिर होता है ये नेक वाले हिस्से में या फेस के निचले वाले हिस्से में, यहाँ पर होता है रिंगवर्म ज्यादा। अब रिंगवर्म्स के अंदर एक रुपए का सिक्का या दो रुपए का सिक्का इस तरह से एक रिंग बन जाती है, इस कॉइन के साइज की, 1 रुपी कॉइन और 2 रुपी कॉइन के साइज की एक रिंग बन जाती है। ये रिंगवर्म का इन्फेस्टेशन जो होता है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है, इसके अंदर खुजली होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है इरिटेशन होता है, इचिंग होती है, इसके अंदर से खून नहीं निकलेगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, है ना, दर्द नहीं होता वहां पे, खुजली होती है, जलन होती है, स्वेलिंग नहीं आती वहां पे। तो यहाँ पे अभिलाक्षणिक गुण क्या है, अभिलाक्षणिक गुण है इसके अंदर खुजली होना, इचिंग होना, सूजन वहां पे नहीं आएगी जब तक कि बहुत ज्यादा इंफेक्शन। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब होता है वो गुण जो केवल उसी में उपस्थित हो। आंसर इज 4। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट से क्या नहीं हो सकता, ये पूछ रहा है, नॉट बी ट्रांसमिटेड, नेगेटिव क्वेश्चन है, ड्रॉपलेट से क्या नहीं हो सकता। तो निमोनिया तो खांसने और छींकने से अगर कोई साथ रह रहा है तो उसको हो सकता है, कॉमन कोल्ड खांसने और छींकने से ड्रॉपलेट निकलती हैं, काफी दूर तक जाती हैं, जुकाम भी फैल सकता है, COVID-19 आप सब जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है एयर के थ्रू। रिंगवर्म जो होते हैं ये ड्रॉपलेट से नहीं फैलते, ये फैलता है किससे, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। रिंगवर्म किससे फैल रहा है, निर्जीव वस्तु जैसे कि क्लॉथ, खासतौर से क्लॉथ, साबुन, सोप, एक साबुन कई जने यूज कर रहे हैं, टॉयलेट के जो दूसरे जो प्रसाधन है उसका यूज हो रहा है, उससे फैलता है ये रिंगवर्म, तो ये ड्रॉपलेट से नहीं फैलता। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 4, रिंगवर्म ये ड्रॉपलेट से नहीं फैलता, ये इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, हिंदी में जिनको अपन बोलते हैं निर्जीव वस्तु हैं, उनसे फैलता है। तो 26 में क्वेश्चन नंबर 26 में द करेक्ट आंसर इज 4। अमीबिक डिसेंट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, अमीबिक डिसेंट्री यानी कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका पानी या कंटेमिनेटेड वाटर के साथ बॉडी में चला गया तो बॉडी का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो खासतौर से कौन सा पार्ट है, कोलन पार्ट है, उस कॉलन पार्ट के अंदर ये जाके और उसकी म्यूकोसा को इन्वेड कर देता है, म्यूकोसा में एंटर कर जाता है, तो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो क्या होता है, जो म्यूकस होता है, जो म्यूकस की लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की सरफेस पे, वहां से स्टूल के साथ यानी कि मल के साथ, एक्सक्रीटा के साथ म्यूकस रिलीज होता है, वहां से हो सकता है ज्यादा डैमेज हो गया तो ब्लड भी आ जाएगा, म्यूकस एंड ब्लड, अमीबिक डिसेंट्री खास बात होती है, एक्सेस म्यूकस आएगा उसके साथ, क्योंकि कोलोन के अंदर जाके कोलोन की म्यूकोसा को इन्वेड करता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो अमीबिक डिसेंट्री जब होगी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा तेज यानी कि 103 104 डिग्री फारेनहाइट का बुखार नहीं जाता उसके अंदर, ऐसा नहीं होता, ये मलेरिया का फीचर है। हेडेक इसके अंदर नहीं होता, वोमिटिंग जो होती है वो इसके अंदर नहीं होती ज्यादा, कैरेक्टराइज्ड वोमिटिंग कई वजह से हो सकती है, तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, म्यूकस उसके अंदर स्टूल के आएगा, मल में अत्यधिक म्यूकस की जो उपस्थिति है वो शो करती है अमीबिक डिसेंट्री। कारण मैंने बता दिया आपको, म्यूकोसा को इन्वेड करता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, म्यूकोसा को उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, तो म्यूकस रिलीज होता है एलिमेंट्री कैनाल की अंदर वाली वॉल से, कोलोन की अंदर वाली सरफेस से, ब्लड भी आ सकता है। तो करेक्ट आंसर है 1।
Next, the common infectious disease which is controlled by use of vaccine, वह संक्रामक रोग जो टीके द्वारा नियंत्रित है, तो डेंगू का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। डिप्थीरिया का आप पढ़ते हैं डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, मलेरिया का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया, बुकेरिया बैंक्रोप्टाइक अगेंस्ट में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। तो वैक्सीन से अपन ने अगर कंट्रोल किया है किसी डिजीज को तो वो है डिप्थीरिया बच्चों में खासतौर से। तो वैक्सीन से कंट्रोल अगर कोई बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है, तो कौन सी है? वो डिप्थीरिया, वह संक्रामक रोग जो टीके द्वारा नियंत्रित है। तो आंसर है टू। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी परिस्थिति मनुष्य की त्वचा पर फंगस की वृद्धि हेतु आदर्श होती है? देखो, अपने बॉडी के अंदर जैसे बारिश हो गई, रेनी सीजन है, उसके बाद एकदम से गर्मी बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है। बस ये दो वर्ड याद रखना, गर्मी का बढ़ना और मॉइस्चर एयर के अंदर होना, तो उससे क्या फंगस ग्रो कर जाएगी। फंगस ग्रो करेगी तो उससे फिर जो सिम्टम सामने आएंगे वो रिंग वर्म के फॉर्म है, वो चकत्ते बन जाते हैं स्किन पे, इनको अपन रिंग वर्म नाम दे देते हैं। तो गर्म और जो नम कंडीशन है, मॉइस्ट और हीट कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर ये आइडियल कंडीशन है जब फंगस ग्रो कर सकती ह्यूमन स्किन। लो टेम्परेचर में ये काम नहीं होगा, ध्यान रखना, फंगस की ग्रोथ लो टेम्परेचर पे नहीं होती। हीट और ड्राई कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में बिना मॉइस्चर के फंगस ग्रो नहीं करती, ऐसे बढ़ जाता है। एक तो ठंड में फंगस ग्रो कम करती है, ठंड के अंदर, विंटर्स के अंदर फंगस की ग्रोथ स्लो हो जाती है। और दूसरा, जो ड्राई कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, तो वहां पर फंगस की ग्रोथ कम है, उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है। तो यहाँ पर मॉइस्चर और हीट हो, दोनों होंगे ना, तो वो फंगस की ग्रोथ होगी ह्यूमन स्किन में। जैसे मान लीजिए नहा के आए, बॉडी को प्रॉपरली टॉवल से वाइप नहीं किया, पोछा नहीं अपन, और जल्दबाजी में सॉक्स पहन लिए, अंडरगारमेंट्स पहन लिए, तो वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बॉडी में पसीना आएगा तो हीट आएगी और नमी तो अपन ने छोड़ी दी वहां पर, तो फंगल इन्फेक्शन के लिए वो कंडीशंस आइडियल हो जाती हैं। तो ऐसे में जो सही आंसर है वो है हीट और मॉइस्चर। ऑयली स्किन पे फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं वो इतने नहीं होते, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, एस्केरियासिस को कैसे रोक सकते हैं अपन, एस्केरिस के इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं? अभी अपन ने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, उसके कंजम्पशन से एस्केरिस के अंडे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का उपयोग करके तो एस्केरिस को अपन नहीं रोक सकते, क्योंकि उससे तो मच्छर काटने से जो होने वाली बीमारियां उनको रोक सकते हो आप, एस्केरियासिस को नहीं रोक सकते। प्रॉपर वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग और कुकिंग, खाना बनाने और खाने से पहले सब्जियों को धोकर एस्केरिस से अपन बच सकते हैं, ये सही बात है। वैक्सीन अभी तक इसका कुछ है नहीं। नॉट कंज्यूमिंग पार्शियली कुक्ड मीट, मीट को, अधपके मांस को नहीं खाकर अपन एस्केरियासिस को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये मांस के थ्रू नहीं फैलता, आप ऐसे मान लें, ये अधपके मांस के मार्फत या उसके थ्रू नहीं फैलता, ये किसके थ्रू फैलता है, ये कंटेमिनेटेड फूड और वेजिटेबल से फैलता है। इसलिए अगर अपन उनको वॉश कर लें, नीट एंड क्लीन करके खाएं, तो ये बीमारी उससे बच सकते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इसको रोका जा सकता है। तो किससे रोका जा सकता है? सब्जियों को धोकर। आंसर क्या हो गया यहां पे? सेकंड। Which group of symptoms are indication of pneumonia? ये NCERT की लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी सी आपको लर्न करनी है। निमोनिया में क्या होता है? तो बुखार आता है, ज्यादा कंडीशन खराब होती है, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो उंगलियाँ के नाखून जो होते हैं ये नीले पड़ जाते हैं, ये निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं। बुखार आता है, ये बॉडी के अंदर दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, ये निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फीवर्स, चिल्स, कफ, हेडेक, है ना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज नहीं होगा इसका, पेट में दर्द नहीं होगा इसमें, पेट में हैटन भी नहीं होगी इसके अंदर, ब्लड क्लॉट्स हैं ये भी नहीं होंगे। नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, कफ, ये कह रहा नाक ठस जाती है, निमोनिया में नाक नहीं ठसती, कफ, खांसी, खांसी हो सकती है, सोर थ्रोट, हेडेक हो सकता है, लेकिन नेजल कंडीशन नहीं है।
हाई फीवर, फीवर जा सकता है ज्यादा, वीकनेस, वो सब बीमारियों में जुड़ी रहती है। स्टमक पेन नहीं होगा इसके अंदर, पेट में दर्द नहीं होता, भूख कमी लगना सब बीमारी में हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन इससे नहीं होगा। अब इसमें आपको डिफ्रेंशिएट किसी का ना डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि लंग्स की एल्वियोलाई इन्वॉल्व हो गई, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूड इकट्ठा हो गया, तो गैसियस एक्सचेंज की सरफेस है वो कम हो गई और उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आई, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग निमोनिया के अंदर। तो बुखार लगता है, सर्दी लग के बुखार आता है, खांसी होती है, सिर दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 को अगर अपन देखें तो यहाँ पर कई बच्चे हो सकता है जो है वो कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर नेजल कंजेशन नहीं होता, ये जुकाम के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है फर्स्ट 31 में, द करेक्ट आंसर इज 1। श्वास लेने में कठिनाई, बुखार, कपकपी, खांसी और सिर दर्द, नेजल डिस्चार्ज इसके अंदर नहीं हुआ, ध्यान रखना, ये जुकाम का लक्षण। ए पर्सन हु इज कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, एक दात कोशिका रक्ताल्पता का वाहक व्यक्ति, उसमें क्या होगा? देखो एक ही नॉर्मल आरबीसी, और एक ये है सिकल शेप आरबीसी। प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजॉइट है वो स्पोरोजॉइट इसके अंदर एंटर कर सकता है, स्पोरोजॉइट इसके अंदर एंटर करने में उसको दिक्कत आती है, वो इसके अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता तो उसके अंदर मलेरिया के सिम्टम्स नहीं आएंगे, ध्यान रखना। कैरियर है लेकिन, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया अगर किसी को हो गया तो वो तो फिर लीथल कंडीशन हो जाती है, उसमें तो बॉडी के अंदर इतनी हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है कि बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं हो पाती। तो सिकल सेल एनीमिया का कैरियर जो है उसके अंदर मलेरिया होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ आरबीसी जो होती हैं वो तो नॉर्मल होती हैं और कुछ आरबीसी होती हैं वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं, तो उसके अंदर फिर मलेरिया होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि प्लाज्मोडियम उसके अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। टाइफाइड होने की संभावना, उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर ज्यादा संभावना टाइफाइड या मलेरिया की वो भी नहीं है। मोर प्रोन टू मलेरिया, मलेरिया होने की संभावना उसके अंदर ज्यादा हो जाएगी, मलेरिया होने की संभावना जो है वो, ये बिल्कुल सही बात है, मलेरिया होने की संभावना कम हो जाएगी। वजह मैंने बता दिया आपको, ये सब गलत बातें हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैथोजन फॉर रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म का पैथोजन क्या नहीं है? माइक्रोस्पोरम इससे तो होता है, ये तो देखो लर्न करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में जो पैथोजन दिए हुए हैं ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे आपको। माइक्रोस्पोरम उससे होता है रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटम उससे भी होता है रिंगवर्म, एपिडर्मोफाइटम उससे भी होता है रिंगवर्म, ठीक है। मैक्रोस्पोरम ये एक है तो फंगस, लेकिन ये कैसी है, इससे रिंगवर्म नहीं होता, Not causing ringworm infection. So, what is being asked in this question is that one of the following is not the pathogen. निम्न में से कौन सा ringworm का रोगाणु नहीं? तो macrosporum नहीं. Correct answer क्या हो गया यहाँ पे? Four. नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोजॉइन इज ए, तो मलेरिया की जो मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल अपन ने पढ़ी है प्लाज्मोडियम की, तो उसमें अपन ने देखा कि जब वो आरबीसी में जाता है तो हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देता है और उससे एक टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करता है वो, उसका नाम है हीमोजॉइन। जब एक आरबीसी के अंदर
जो प्लाज्मोडियम की चाइजोगोनी होती है वो कंप्लीट होती है, तो वो जो डिग्रेडेड हीमोग्लोबिन है उससे बना हुआ सब्सटेंस हीमोजाइन है वो ब्लड में रिलीज हो जाता है, और उसके टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से वो कपकपी लग के बुखार आता है। तो अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। हीमोजाइन है, हीमोग्लोबिन का पूर्ववर्ती पदार्थ, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, मींस भविष्य में से जाके क्या हीमोग्लोबिन बनेगा? नहीं बनेगा। दूसरा है टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इंफेक्टेड सेल। स्ट्रेप्टोकोकस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो बैक्टीरिया है। टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इंफेक्टेड, प्लाज्मोडियम संक्रमित कोशिका से मुक्त विषैला पदार्थ, ये बात ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से भी ये हीमोजाइन नहीं रिलीज होता, तो बिल्कुल मलेरिया पे है ये क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ये थ्री, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इंफेक्टेड सेल, प्लाज्मोडियम संक्रमित कोशिकाओं से मुक्त विषैला पदार्थ है हीमोजाइन, जिसकी वजह से फीवर एंड चिल्स, कपकपी लग के बुखार आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फाइड ऑर्गन, निम्न में से कौन सा लसीका अंग नहीं। लिम्फाइड ऑर्गन जो होते हैं वो लिम्फेटिक्स यानी कि लसीका वाहिनियों से, लिम्फ वेसल्स से जुड़े रहते हैं। अब जैसे स्प्लीन है, ये लिम्फाइड ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट लिम्फाइड ऑर्गन है, जहां पे जो है लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो रहती भी हैं, प्रोलीफरेट भी करती हैं, डिवाइड भी करती हैं, वहां पे फैगोसाइटिक एक्टिविटीज भी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। टॉन्सिल्स के अंदर भी यही होता है, लिम्फाइड ऑर्गन है ये, यहाँ पे होता है बिल्कुल टॉन्सिल्स। बच्चों में ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, ये लिम्फाइड ऑर्गन है टॉन्सिल्स। पैंक्रियास लिम्फाइड ऑर्गन नहीं है, पैंक्रियास इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। पैंक्रियास क्या है? एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये लिम्फाइड ऑर्गन नहीं है। थायमस में तो आप जानते हो टी लिम्फोसाइट्स जाके मैच्योर होती हैं वहां पर। टॉन्सिल्स के अंदर ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी होती है, ये सब यहाँ पर चलती रहती है, यहाँ नहीं होता। लेकिन ये है ना, लिम्फाइड ऑर्गन की कैटेगरी में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर लिम्फ वेसल्स की अच्छी खासी पेनिट्रेंस होती है और वहां पे फैगोसाइटिक एक्टिविटीज होती है, है ना। बैक्टीरिया को या हार्मफुल पैथोजेंस जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाना, उससे रिलेटेड प्रोसेस होता है, वो पैंक्रियास में नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया, नॉट लिम्फाइड ऑर्गन पूछा है, तो पैंक्रियास नॉट ए लिम्फाइड ऑर्गन, पैंक्रियास नहीं। 31st of May यानी कि आज का दिन जब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, नो टोबैको डे है ये, तंबाकू के सेवन से एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन स्रावण प्रेरित होता है, बिल्कुल होता है। अब तंबाकू में क्या होता है, तंबाकू का नाम क्या है, निकोटियाना टोबैकम, तो निकोटियाना टोबैकम से क्या रिलीज होगा, निकोटीन, तो निकोटीन से ये स्टिमुलेट होता है। कुरकुमिन तो हल्दी वाला सब्सटेंस है, कुरकुमा लौंगा, कैफीन ये कॉफी के अंदर है, कोकेन ये आप जानते हैं एक हार्मफुल सब्सटेंस है, ड्रग है। एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन का जो रिलीज होता है वो तंबाकू के अंदर प्रेजेंट जो होता है निकोटीन उससे होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहां पे, वन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट, किस प्रकार की प्रतिरक्षी क्रिया प्रत्यारोपित ग्राफ्ट को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो बॉडी के अंदर मान लीजिए किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उस किडनी को रिजेक्ट करने का जो प्रोसेस है, मींस जो होस्ट का बॉडी है वो उसको क्यों रिजेक्ट करेगा, वो उसको पराया मान लेता है, आउटसाइडर मान लेता है। तो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं, खासतौर से जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो डिफरेंशिएट होके वो उस ऑर्गन पर अटैक कर सकती हैं, और उसका नतीजा क्या होगा, वो ऑर्गन जो है वो बहुत जल्दी काम करना बंद कर देता है। तो अपना जो ऑर्गन है या जो टिश्यू है, जो भी अपन ने ग्राफ्ट किया है किसी भी पेशेंट में, वो फिर काम नहीं कर पाएगा, ये कहलाता है इम्यून रिजेक्शन या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ने उस पर अटैक किया, कोशिका माध्यमित प्रतिरक्षी क्षमता ने उस पर अटैक किया, हमला किया और उसको
जिस पर्पस से अपन ने जो प्रत्यारोपित किया था वो पर्पस वो फेल हो जाता है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसके द्वारा ये ट्रांसप्लांट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 4, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, जो कि किसके थ्रू हो रहा है बेटा? टी लिम्फोसाइट जो होती है मेनली वो इस काम को अंजाम देती है। फिजियोलॉजिकल इम्यून रेस्पॉन्स नहीं है ये, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स तो होता है, वो होता है एंटीबॉडीज के थ्रू, ये नहीं है। आप ऑटो इम्यून डिजीज, ये है नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जब अपन कर रहे हैं ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती इसके अंदर, ये तो होता है सीधा का सीधा किससे? सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उस ऑर्गन को वो रिजेक्ट कर देती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 4, 37 में। नेक्स्ट इज, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38, इंटरफेरॉन्स का उत्पादन होता है। इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो इंटरफेरॉन्स एक इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कहलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स। इनहिबिट मतलब रोकना, कौन सा प्रोसेस रोकना? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रोकना, शॉर्ट में इसको कहते हैं TIP, ये होता है इंटरफेरॉन्स। तो इस तरह के प्रोटीन्स हैं जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वायरली इंफेक्टेड सेल। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द हेल्दी सेल्स। मीन्स एक सेल जो कि वायरस से इंफेक्ट हो चुकी है, उसने दूसरी सेल जो उसके आसपास प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के प्रोटीन सिंथेसाइज शुरू करना शुरू करती है जो कि उनको इंफेक्ट होने से बचाएगा। तो ये प्रोड्यूस करती है वायरस इंफेक्टेड सेल। प्लाज्मा सेल्स तो एंटीबॉडी बनाने वाली सेल्स होती हैं, बी सेल्स ये काम नहीं करती, बी लिम्फोसाइट्स की हेल्पर सेल्स ये भी नहीं करती। तो ये काम कौन कर रहा है? वायरस इंफेक्टेड सेल्स, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रही है? इंटरफेरॉन्स। और इस इंटरफेरॉन के थ्रू बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, दूसरी हेल्दी सेल्स जो होती हैं वो इंफेक्ट होने से बच सकती हैं। तो करेक्ट आंसर इज 2, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट, एनकाउंटर विद एंटीजन विच सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। तो अपने पास में मान लीजिए एक ये एंटीजन आया, बॉडी के अंदर एंटर किया, चाहे खाने के थ्रू आया, चाहे पीने के पानी के थ्रू आया, चाहे वो एयर के थ्रू आया, उस एंटीजन को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगी, पहचानेगी, वो होगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC। कई तरह की सेल्स हैं जो कि APC की तरह काम करती हैं, उनमें से मैक्रोफेजेस भी एक होती हैं। तरह तरह की जो WBCs होती हैं वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम करती हैं, खासतौर से जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो। तो ये सेल्स क्या करती हैं, उस एंटीजन को ले जाती हैं लिम्फाइड ऑर्गन के अंदर, और लिम्फाइड ऑर्गन में पहले से मौजूद होती हैं कौन सी सेल्स? बी लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं एंटीजन का जब फेस करती हैं तो दो तरह की सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, एक तो होती हैं बी मेमोरी सेल्स और एक होती हैं प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करती हैं। करंट आंसर क्या हो गया यहां पे? प्लाज्मा सेल्स, दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, है ना। ये किससे बनी? ये बनी बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती, प्लाज्मा सेल्स होती हैं, कार्टिलेज सेल्स होती हैं, वो ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती हैं। आंसर इज 4।
आउट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग एंटीवायरल ड्रग्स, निम्न में से किस रोग को एंटीवायरल दवाइयों से नियंत्रित किया जा सकता है? तो नेचुरल है वो रोग भी कैसा होगा, वायरल डिजीज होगी, वायरल डिजीज को आप एंटीवायरल से कुछ हद तक रोक सकते हो। अब इसमें निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज होगी, स्वाइन फ्लू ये वायरल डिजीज है, टाइफाइड ये बैक्टीरियल डिजीज है, सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो वायरल डिजीजेस को आप रोक सकते हो एंटीवायरल ड्रग्स से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, स्वाइन फ्लू सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज आर वायरल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस का ग्रुप पहचानना है आपको। ये सिर्फ लर्निंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखो आप अगर आपको लर्न है पूरी बात याद है कि वायरल डिजीजेस कौन कौन सी हैं, बैक्टीरियल कौन कौन सी हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। अमीबियासिस एंड अमीबा स्टोलेटी का प्रोटोजोल, चिकनगुनिया ये चिकनगुनिया वायरस से होता है, डेंगू वायरस से होता है। तो यहाँ पर वायरल डिजीजेस के सेट में ये सेट नहीं हो रहा, फर्स्ट आंसर नहीं है। स्मॉल पॉक्स ये पॉक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा ये वायरस, और HIV से होने वाला एड्स ये वायरल डिजीज का सेट हो गया। यहाँ पे ये जो रिंग वर्म्स हैं ये फंगल डिजीज हो गई, स्लीपिंग सिकनेस ये प्रोटोजोआ से हो गया, निमोनिया ये बैक्टीरिया से हो गया। तो पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सा समूह विषाणु जनित रोगों का है, वायरल डिजीजेस का है? तो वायरल डिजीजेस का ऑप्शन हो गया सेकेंड, स्मॉल पॉक्स इन्फ्लुएंजा एंड एड्स दीज आर द वायरल डिजीज कॉज बाय डिफरेंट वायरसेस। आंसर इज टू। मैच कॉलम वन विद कॉलम टू, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अमीबियासिस जो होता है उसके अंदर जो स्टूल होता है उसमें ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होता है। अमीबियासिस में क्या होता है, मल में रक्त और श्लेष्मा होगी, कारण मैंने बताया आपको, एक्सप्लेन किया अभी कि एंटामीबा स्टोलेटी का वो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले पार्ट को अफेक्ट करता है, वहां की म्यूकोसा को इरोड कर देता है, इरोजन उसका सफाया, और उसके वजह से स्टूल के साथ में म्यूकस रिलीज हो जाता है और साथ में ब्लड भी आ सकता है। तो फर्स्ट का हो गया सेकंड। डिप्थीरिया ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है जिसको अपन रोक सकते हैं DPT वैक्सीन से, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस ये ट्राइवेलेंट वैक्सीन है उससे इसको रोका जा सकता है, उससे रिलेटेड हो गया DPT वैक्सीन। कॉलेरा इसको अपन हिंदी में कहते हैं हैजा, इससे क्या होता है बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, सॉल्ट की कमी हो जाती है। तो उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे, बाय यूज ऑफ ORS ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे के अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं कॉलेरा। सिफिलिस ये एक तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि होती है ट्रिपोनिमा पैलिडम से, ट्रिपोनिमा पैलिडम से होने वाला डिजीज है सिफिलिस। तो ये सही मैचिंग है, तो फर्स्ट का हो गया सेकंड का हो गया थर्ड का हो गया फोर्थ, और ये फोर्थ का हो गया फर्स्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जो है जो अपने आंसर बताना है वो है सेकंड, जिसके अंदर ये पूरा सही मैचिंग शो कर रखा है, बाकी ऑप्शन गलत है सारे। आपके सामने ये मैंने सही से मैच करके बता दिया कि कौन से डिजीज किस से किस तरह से रिलेटेड है। सिफिलिस एक तरह की STD जो कि होती है ट्रिपोनिमा पैलिडम से, कॉलेरा जिसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी पड़ती है, मीन्स पानी और सॉल्ट्स मिनरल्स वो मुंह से देने पड़ते हैं ताकि बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाए ORS के थ्रू। डिप्थीरिया से बचने के लिए वैक्सीन है, और ये अमीबियासिस में स्टूल के साथ में मल के साथ में रक्त और म्यूकस ब्लड एंड म्यूकस ये जो है प्रेजेंट हो सकता है। द फर्स्ट लाइन डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम इज, प्रतिरक्षी तंत्र में पहली पंक्ति रक्षा प्रदान कौन करता है? तो सबसे पहले तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंगस या प्रोटोजो आएगा तो स्किन से या स्किन के थ्रू आता है, और म्यूकस जो मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ओरली अगर कोई जर्म प्रेजेंट हुआ एयर के अंदर या पानी के अंदर या फूड के अंदर, तो सबसे पहले ओरल कैविटी की म्यूकोसा या नेजल म्यूकोसा के कॉन्टेक्ट में आता है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है ये अपने आप में एक प्रोटेक्टिव कवर दे देती है, और साथ में सबसे बाहर वाली
कवर तो अपने सबको पता है वो स्किन होती है एंड दिस स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फॉर द फर्स्ट एंड काम. सबसे पहले अगर कोई पैथोजन आता है तो इन्हीं सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है. ज्यादातर केस के अंदर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन को छोड़ दो आप, जो खून के ट्रांसमिशन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो अपने पास में फर्स्ट लाइन डिफेंस के लिए सीधा जो आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे दैट इज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स तो बहुत बाद में आएगा, जब वो साइट पे चला गया और वहां पे दूसरी सेल्स आ गई और उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो फिर वहां का टेम्परेचर बढ़ गया, वहां पे स्वेलिंग आ गई, है ना. इस तरह के एक्शन कहलाते हैं इन्फ्लेमेशन के एक्शन, और वो भी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देते हैं वहां पे, लेकिन वो शुरू में नहीं होते, फर्स्ट लाइन नहीं होते. वो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट या न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, ये सेकंड नंबर पे आती है. मीन्स एक बार पैथोजन जो है वो एंटर कर चुका है, टिश्यूज के अंदर जा चुका है, तो फिर इन सेल्स की जिम्मेदारी हो जाती है, ये जाके उनको ईट आउट कर देती है. फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ये बाद में काम करती हैं, फर्स्ट लाइन नहीं होती हैं. एंटीबॉडीज ये बाद में बनते हैं, एनकाउंटर होगा, एनकाउंटर होने के बाद में एंटीजन की प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेंगी. तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है जो कि सबसे पहले नहीं होते. सबसे पहले कौन प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी बॉडी को? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. फर्स्ट आंसर प्राइमरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस ड्यू टू फर्स्ट टाइम एनकाउंटर विद पैथोजन इज ऑफ. सबसे पहले अगर बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम जो है ना वो बड़ा धीमे रेस्पॉन्स शो करता है, कम इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि उस टाइम मेमोरी सेल्स नहीं होती. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, उस टाइम मेमोरी सेल्स काम नहीं करती, तो वो बड़ा धीमे धीमे आता है रेस्पॉन्स, तो ये कम इंटेंसिटी का होता है, वो तेज कभी नहीं हो सकता, उसकी इंटेंसिटी जीरो कभी नहीं हो सकती. बीच का दरमियानी यानी कि न बहुत ज्यादा ना बहुत कम, वो भी नहीं होगा, हाई तो हो ही नहीं सकता. ये कैसा होगा? पहली बार सामना करने पर लो इंटेंसिटी का होता है. वजह उसकी बता दी, क्योंकि एंटीजन आया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन हुआ और फिर एक रिजल्ट सामने आया. इतना लंबा टाइम लगता है, इसलिए लो इंटेंसिटी का होता है. मेमोरी सेल बनने में भी टाइम लग जाता है. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? लो इंटेंसिटी. ह्यूमरल इम्यूनिटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद तरल माध्यम प्रतिरक्षा क्षमता, सीधे संबंधित होती है. तो ये तो तरल माध्यम, तो ये तो एंटीबॉडीज से रिलेटेड है. ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे रिलेटेड है? एंटीबॉडीज से. तो एंटीबॉडी कौन बनाता है बेटा? एंटीबॉडी बनाती है बी सेल्स. बी सेल्स डिफ्रेंशिएट होके क्या बना देगी? प्लाज्मा सेल्स, या इसी को बोल देते हैं अपन कार्ड व्हील सेल्स. एंड दीज सेल्स दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. न्यूट्रोफिल डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होती, मैक्रोफेजेस डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होती, तो डायरेक्टली एसोसिएटेड है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन फ्लूइड्स, जिनको अपन बायोलॉजी में बोल देते हैं ह्यूमर्स, हिंदी में बोलते हैं अपन तरल. आंसर क्या हो गया? बी सेल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल बैरियर ऑफ इननेट इम्यूनिटी? इननेट इम्यूनिटी, इननेट का मतलब है बॉडी की खुद की, हिंदी में लिख रखा है ना नैसर्गिक. नैसर्गिक का मतलब होता है स्वयं, उसका भौतिक अवरोधक नहीं है, फिजिकल बैरियर. भौतिक अवरोधक तो सीधा ब्लॉक कर देता है, स्किन और म्यूकोसा तो एक फिजिकल बैरियर है. स्किन और म्यूकोसा ये तो एक फिजिकल बैरियर होगा, है ना, लेकिन सलाइवा ये नहीं, ये होगा फिजियोलॉजिकल बैरियर के तौर. आंसर हो जाएगा यहां पे 3 सलाइवा ला, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर. एन ऑटोइम्यून डिजीज
इज, यहाँ पे भी आपको लर्निंग, देखो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधा मेमोरी बेस्ड होते हैं, और इन्हीं में से एक ये भी है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस के जो नाम होते हैं और बॉडी में वो कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं उसका एक आइडिया आपको होना चाहिए, तो आप जाके इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिजीज है। डिजेनरेटिव डिजीज का मतलब क्या है कि इसके अंदर टाइम के साथ साथ जो बोन्स के जो ज्वाइंट्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन होता है, जो कार्टिलेज होती है वो डिग्रेड हो जाती है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। वो एक एज रिलेटेड बीमारी है, ओल्ड एज में ज्यादातर देखा जाता है। गाउट है, इसके अंदर बॉडी में किसी भी वजह से यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। ये बीमारियां हैं, देखो इनका सबका आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अंदर क्या हो गया, एज रिलेटेड डिजीज, ये हो गया एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बॉडी के अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनमें गड़बड़ी हुई तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया और उसकी वजह से हो गया गाउट। ऑटो इम्यून नहीं है, क्रिटिनिज्म, ये थायराइड की एक्टिविटी कम होने से होता है। इससे बॉडी के अंदर T3 और T4 के लेवल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बच्चा जो है वो पैदा जो होता है वो कहलाता है क्रिटिन, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और भी कई प्रॉब्लम उसके साथ जुड़ी रहती हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले चैप्टर में दे रखा है क्रिटिनिज्म। ये ऑटो इम्यून नहीं है, ये तो किसी ना किसी वजह से थायराइड एक्टिविटी कम होने की वजह से होता है, जो कि मदर के अंदर हुआ तो बच्चे में क्रिटिनिज्म हो जाएगा, या बच्चे के अंदर हुआ तो बच्चे के अंदर खुद के अंदर थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम होने से हो गया। ये ऑटो इम्यून नहीं है, तो ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये एक बोन है, ये उसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ये दूसरी बोन जो उसके साथ में आर्टिकुलेट कर रही है। अब इन आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे इस जगह पे यहां पर होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये इस तरह से, और यहां पर फ्लूड भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूड। तो किसी वजह से ये साइनोवियल मेम्ब्रेन में इंफ्लामेशन हो जाता है, किसी वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या हो गया, इंफ्लामेशन। अब ये जो फ्लूड है ना इसका अमाउंट बढ़ जाएगा जॉइंट के अंदर, तो वो बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स वो दर्द करते हैं, चलने फिरने में दिक्कत आती है और सूजन आ जाती है वहां। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज बनती है ना वो एंटीबॉडीज बेसिकली ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती हैं। ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है इस तक को डैमेज कर देती हैं, तो ये जो बीमारी है वो कहलाती है ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आंसर इज टू, इसमें कौन अफेक्ट हो रहा है, साइनोवियल जॉइंट्स। एज से कोई लेना देना नहीं होता रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जवान को भी हो सकता है, मिडिल एज वाले को भी हो सकता है, ओल्ड एज वाले को भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि तो बॉडी का इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी है। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सब सक्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षीकरण निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी को प्रवेश करा के करवाया जा सकता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको एक बार अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 48 अपने को दिया गया है, इसमें बैक्टीरियल प्रोडक्ट है। अब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया तो उसने एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करवा दिया, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करा दिया यानी कि एंटीबॉडी बॉडी ने खुद ने बनाई। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज ओन सेल्स,
तो एक्टिव इम्यूनेशन हो गया तो उससे हो सकता है, एक्सेप्ट पूछा है किससे नहीं हो सकता, आप समझ रहे हैं कि पूछा गया किससे नहीं हो सकता। तो अपने पास में टॉक्सॉइड है, तो टॉक्सॉइड बॉडी के अंदर जाते हैं, जैसे टेटनस का है, टेटनस टॉक्सॉइड बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन यानी कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट कर देता है। एक्टिव सबसे आप पकड़ लीजिए, बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रहा है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉडीज ओन सेल्स देन इट इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। जब शरीर स्वयं एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है तो कहलाती है सक्रिय प्रतिरक्षा क्षमता। अब ये दो तरह से हो सकती है, या तो कुदरती या आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल अपन कैसे कर सकते हैं वो पता होना चाहिए, अपन से पूछा जा रहा है कैसे नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेप्ट पूछा जा रहा है किसको छोड़कर सभी से। तो एंटीटॉक्सिन से नहीं होता, वैक्सीन से तो अपन करते हैं, टीके लगते हैं उससे हो जाता है, लेकिन एंटीटॉक्सिन जो होते हैं वो आर्टिफिशियल पैसे होते हैं, मींस आपको सीधे ही सांप को काट, सांप ने काट लिया तो सीधे एंटीबॉडी डालनी पड़ेगी जो उस एंटीजन के साथ जाके जुड़ के सांप के जहर के साथ जुड़ के उसको जो है फौरन जो है इनएक्टिवेट कर दे। तो ये एंटीटॉक्सिन होते हैं वो ये काम नहीं कर सकते। एक्सेप्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपने, 3 टॉक्साइड नो डाउट ये काम कर देगा, वैक्सीन तो करती है ये काम एक्टिव इम्यूनिटी का, है ना, बैक्टीरियल प्रोडक्ट भी जाके बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा सकते हैं, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। एंटीटॉक्सिन तो सीधा ही आपने एक तरह की एंटीबॉडी डाल दी ना तो वो एक्टिव में नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या हो गया बेटा, 3 प्रतिविष नाम है ना, स्नेक एंटीविनम। पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कंफर्ड डायरेक्टली बाय, पैसिव इम्यूनिटी को अपन प्रत्यक्ष रूप से कैसे ले सकते हैं, तो अपन इसके अंदर सीधा टीके लगा देंगे और क्या करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन डाल दीजिए, एंटीबायोटिक से तो पैसिव इम्यूनिटी आती नहीं है, एंटी फंगल ड्रग से पैसिव इम्यूनिटी आती नहीं है, एंटीवायरल ड्रग से पैसिव इम्यूनिटी आती नहीं है, तो यहाँ तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। पैसिव इम्यूनिटी कैसे आती है कि जब बॉडी के अंदर एंटीटॉक्सिन डाल दिए जाए तो सीधे एंटीजन से जाके उसको इनएक्टिवेट कर देंगे, एंटीजन को इनएक्टिवेट करने से क्या होगा, बॉडी बच जाएगा। आपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रविष्ट करवा दी, एंटीबॉडीज को एंटर करवा दिया, तो व्हाट विल फाइंड इन फ्यूचर दैट दीज एंटीबॉडीज विल इनएक्टिवेट द एंटीजन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बॉडी। शरीर में जाके एंटीबॉडीज ने क्या किया, एंटीजन को ब्लॉक कर दिया, ये एंटीटॉक्सिन्स कहलाते हैं। आंसर क्या हो गया इसके अंदर, 1 इनसे नहीं होगा, ये इनसे नहीं होगा, ये इनसे नहीं होगा। द टर्म एंटीटॉक्सिन रेफर्स टू ए प्रिपरेशन कंटेनिंग प्रतिविष। एंटीटॉक्सिन शब्द का अर्थ ऐसे पदार्थ से है जिसमें उपस्थित होते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली आपको थोड़ा सा इम्यून सिस्टम का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप इस सवाल को कर सकते हो। अब जैसे इसमें पूछा गया है कि एंटीटॉक्सिन किसे कहें, तो अपन एंटीटॉक्सिन इस सब्सटेंस को कहेंगे जो जाके बॉडी के अंदर सीधा एंटीजन से जाके बाइंड कर ले, टॉक्सिन से जाके बाइंड कर ले, तो एंटीटॉक्सिन कहलाता है। शब्द का मीनिंग सीख रहे ना, एंटीजन से जाके सीधा एंटीबॉडी जाके बाइंड कर जाएगी, उससे जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी तो वो जो है उसको इनएक्टिवेट कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा तो बॉडी उसके होने वाले नुकसान से बच जाएगा। टी और बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये एंटीटॉक्सिन का काम नहीं करती। अपन से पूछा क्या गया है, द टर्म एंटीटॉक्सिन ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या होगा, तो टी और बी लिम्फोसाइट एंटीटॉक्सिन नहीं होगी, एंटीबॉडीज टू टॉक्सिन, हाँ ये है सही, टॉक्सिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज हैं। मान लीजिए अपने पास में ये टॉक्सिन मॉलिक्यूल है, इस टॉक्सिन मॉलिक्यूल को अपन ने जाके बाइंड कर दिया तो ये काम नहीं करेगा, टॉक्सिन सब्सटेंस जो होता है वो फिर काम नहीं कर पाता, जहर काम नहीं कर पाएगा, तो एंटीबॉडीज होती हैं उस तरह की। वीकेंड पैथोजन, एक ऐसा पैथोजन जो अपन ने डाल दिया तो
तो वो तो बॉडी के अंदर जाके जो है वो एंटीबॉडीज बनवा देता है, एंटीटॉक्सिन से मतलब नहीं होता उसका। इनएक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट वो भी एंटीटॉक्सिन का काम नहीं करते। तो यहां पर आपको इस वर्ड का मीनिंग सीखना है। उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी जो सीधे जाके टॉक्सिन से बाइंड करेंगी और उस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर देंगी, निष्क्रिय कर देंगी, जिससे शरीर क्या होगा उस एंटीजन के दुष्परिणामों से, उसके दुष्प्रभावों से वो हार्मफुल इफेक्ट से बच जाएगा। करेक्ट आंसर इज टू हियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर देखिए दो सब्सटेंस की रोल प्ले करते हैं, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, और कुछ हद तक ये हिपेरिन भी होता है। ये प्रोड्यूस करती हैं कौन सी सेल्स, ये पूछा गया। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो एलर्जिक रिएक्शंस जो पार्टिसिपेट करने वाली सेल्स होती हैं बेसिकली होती है मास सेल्स एंड बेसोफिल्स। यूसिनोफिल करती हैं लेकिन ये नहीं करती। आईजीई पार्टिसिपेट करती है लेकिन ये नहीं करती। प्लाज्मा सेल्स ये नहीं करती। टी हेल्पर सेल्स ये नहीं करती। तो एलर्जिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करने वाले घटक कौन कौन से हो सकते हैं? दे मे बी प्लाज्मा सेल्स, सॉरी मास सेल्स, दे मे बी बेसोफिल्स, दे मे बी इओसिनोफिल्स, दे मे बी आईजीई एंटीबॉडी ई। यहाँ पर कितने सारे सब्सटेंस हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन उनका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने यहाँ लिखा आईजीई, आईजीई तो पार्टिसिपेट करेगा, आईजीई तो भाग लेगा एलर्जिक क्रियाओं में, लेकिन ये न्यूट्रोफिल भाग नहीं ले रही, प्लाज्मा सेल भाग नहीं ले रही, टी हेल्पर सेल भाग नहीं ले रही, मोनोसाइट भाग नहीं ले रही, बाकी ये भाग लेता है, ये भाग लेता है, ये भाग लेता है, ये भाग लेता है। तो ये कॉम्बिनेशन पूछा है, एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया? नंबर वन दैट इज मास सेल्स एंड बेसोफिल्स। करेक्ट आंसर इज वन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर, ऐसे ऑर्गन्स जहां पे टी और बी लिम्फोसाइट्स बनके और मैच्योर होती हैं वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहलाते हैं, और उनके अंदर आ जाता है बोन मैरो एंड थाइमस। ये सारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, बोन मैरो प्राइमरी लिम्फॉइड है, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए? जहाँ पे इम्यून सिस्टम की सेल्स बनती भी हैं और डिफरेंशिएट भी होती हैं, पर्टिकुलर काम को करने के लिए डिफरेंशिएट होना, ये होता है काम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया बेटा? सेकंड, बोन मैरो एंड थायमस। द साइट्स वेयर लिम्फोसाइट्स इंटरैक्ट विद एंटीजेंस एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स, वो जगह बॉडी के अंदर जहां पे एक एंटीजन आने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसकी डिस्ट्रॉय करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है वो वहां होता है। साथ साथ में वो सेल्स जो कि इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट होती है वो वहां पर डेवलप होती है, वो कौन सा है? वो साइट ढूंढनी हमने को, वह स्थल जहां पे लसीकाणु एंटीजन का सामना करते हैं और विभाजित होकर क्रियाशील कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। देखो एंटीजन की प्रोसेसिंग बोन मैरो में नहीं, ध्यान रखना है, यहां तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, बोन मैरो यहां पे भी आ गया, थायमस और बोन मैरो जहां पर है वहां पर ये काम नहीं होगा। स्प्लीन के अंदर ये होता है लेकिन बोन मैरो में नहीं होता, यहां पे दोनों जगह नहीं, यहां होता है और यहां होता है, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, आप देख लो, दिस इज करेक्ट
बट दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत, दोनों गलत, ये सही है। ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है जहाँ पर ये प्रोसेस होता है, जो अपन ने पूछा है, वह स्थल जहाँ लसीकरण एंटीजन का सामना करते हैं और विभाजित होकर एक्टिव सेल्स उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो जगह है जो अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे भी है, पूरी इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल में, हीलियम में सब जगह होते हैं, खासतौर से जो इंटेस्टाइन का जो दूर वाला हिस्सा है वहाँ पे होते हैं पेयर्स पैचेस और टॉन्सिल्स, आपको बताया दिया मैंने नेक वाले रीजन में। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, 3। द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक वीनम कंटेंट, सबके विष के विरुद्ध दिए जा रहे हैं, और इंजेक्शन में क्या होगा अभी डिस्कस किया आपसे मैंने, इसमें एंटीबॉडीज होंगी जो कि क्या करेंगी, वो स्नेक का जो वीनम है उसको जाके बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। इसके अंदर होता है पहले से तैयार एंटीबॉडीज, पहले से तैयार एंटीबॉडीज या इंग्लिश में उसको कहेंगे अपन प्री फॉर्म एंटीबॉडीज विच आर इन्वॉल्व इन इनएक्टिवेशन ऑफ द स्नेक वीनम, क्योंकि टाइम नहीं होता बॉडी के अंदर, सांप का जहर पूरे बॉडी में फैल गया, अब आप एक ऐसा सब्सटेंस बॉडी में एंटर करवा रहे हो जो कि क्या है कि धीरे धीरे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और फिर वो एंटीबॉडीज उस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करेंगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आपको प्री फॉर्म एंटीबॉडीज यानी कि पैसिव इम्यूनिटी को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये काम कहलाता है पैसिव इम्यूनिटी का थ्रू या विद द हेल्प ऑफ प्री फॉर्म एंटीबॉडी। एटीन्यूएटेड पैथोजन को डाल के आप क्या कर लोगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ पे, ना सांप के जहर के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से तो अपन वैक्सीन बना देते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्नेक एंटीवीनम जो होता है वो क्या होता है बेटा, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज होती हैं, पहले से तैयार एंटीबॉडीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, स्नेक वीनम के साथ बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट कर देती हैं ताकि उस वीनम का इफेक्ट अपने बॉडी पे नहीं। द फिजिकल कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इज, देखिए कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो फिजिकल कार्सिनोजेंस, केमिकल कार्सिनोजेंस और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस, ये तीन कैटेगरी हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या कह सकते हैं ना, वायरस के फॉर्म में बॉडी के अंदर गए और उन्होंने नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर दिया, तो वो कहलाएगा बायोलॉजिकल ऑन्कोजेंस, बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ कैंसर, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन कहलाएगा वो। दूसरा, एक सिगरेट का धुआं या गाड़ी का निकला हुआ धुआं वो बॉडी के अंदर चला गया, उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल चले गए या कोई डाई शरीर के अंदर चली गई, कोई भी अभिरंजक शरीर के अंदर चला गया, तो वो कैंसर कॉज कर सकता है, वो केमिकल कार्सिनोजन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो एक्सरेस तो सीधा जो है वो सेल्स को टारगेट कर सकती हैं, तो ये किस कैटेगरी में आ जाती हैं, ये है फिजिकल कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस की कैटेगरी में, ये केमिकल है, रसायन है, ये बायोलॉजिकल है, ये भी केमिकल, ये है फिजिकल। एक्स किरणें, ये ये केमिकल हो गया, ये बायोलॉजिकल हो गया, ये केमिकल हो गया। गैसेस, तंबाकू का धुआं, इसमें भी हार्मफुल सब्सटेंस, फिजिकल कार्सिनोजन क्या हो गया बेटा, एक्स रे। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपने, सेकंड। वायरल ऑन्कोजेंस आर प्रेजेंट इन, वायरल ऑन्कोजेंस तो बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें आपको वायरस ढूंढना है, वायरल ऑन्कोजीन किसमें होगा, वायरस में ही तो होगा ना, ह्यूमन सेल में कहां से आएगा वायरस का ऑन्कोजीन, वायरस का ऑन्कोजीन तो वायरस में ही होगा। अब ह्यूमन एपिथेलियल सेल्स में तो वायरस नहीं है, कैंसर तो इनमें भी हो सकता है, कैंसर तो बोन सेल्स के अंदर भी हो सकता है, इनमें तो वायरस नहीं है, अपन तो कह रहे हैं वायरल ऑन्कोजीन किसमें है, वायरल ऑन्कोजीन आर प्रेजेंट इन, कहां उपस्थित होते हैं, तो आपके सामने इस पूरे में एक ही ऑप्शन है, HPV, Human Papilloma Virus Genome, ये एक ऑन्कोजेनिक वायरस है, कैंसर कॉजिंग वायरस है, और इसकी वजह से जो वुमेन है उसके अंदर सर्विक्स का कैंसर, वैजीना,
यूट्रस, इन सब के अंदर कैंसर हो सकता है इस वायरस के इंफेक्शन से। तो ये ऑन्कोजेनिक वायरस है, इसके अंदर होते हैं वायरल ऑन्कोजेन। करेक्ट आंसर इज टू। When vaccines are introduced in our body, they can cause, जब अपने शरीर के अंदर टीका लगाते हैं तो टीके से क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन बिल्कुल हो सकता है, होता ही है। बोन मैरो सप्रेशन क्यों करेंगे, बोन मैरो सप्रेशन कर देंगे तो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं जो बॉडी को जिनकी जरूरत है वो भी नहीं बन पाएंगे। इनिबिशन ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमर इम्यूनिटी नहीं होगी तो बॉडी वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम के एंगल से वीक हो जाएगा, बॉडी के इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन ज्यादा क्यों बनेंगे भाई, स्टीरॉयड हार्मोन बनाने का काम तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे इसका कोई इन्फेक्ट होता नहीं है टीके का। तो जब वैक्सीन बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो क्या काम कर सकती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम कर सकती है, इसका उत्पादन कर सकती है। बहुत आसान सवाल है, इसमें सही आंसर क्या हो गया, ए One. The antigen binding site of antibody is present at एक antigen, ये antibody molecule आ गया। ये इसका कौन सा रहेगा, वेरिएबल रीजन, ऐसा क्षेत्र जिसमें बदलाव हो सकता है। यह है कॉन्स्टेंट रीजन, है ना, कॉन्स्टेंट रीजन में यहां पे ये इस जगह पे आके जुड़ता है एंटीजन। सी टर्मिनल वेरिएबल रीजन बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन, ये कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो बिटवीन ये भी नहीं है, सी टर्मिनल पे भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, ये सी टर्मिनल है, है ना, सी टर्मिनल पे नहीं होता। NH2 टर्मिनल और सी टर्मिनल एक तो होता है, ये टर्मिनल्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं ना, आपको पता है अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो ये सी टर्मिनल पे नहीं होता एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये होता है वेरिएबल रीजन में, ये इस जगह पर होता है, वेरिएबल क्षेत्र में, एंटीबॉडी पर एंटीजन से जुड़ने के स्थल उपस्थित होते हैं, ये होता है वेरिएबल, ये वेरिएबल हिस्सा हो गया, यहां पर एंटीजन आके बाइंड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, थ्री, वेरिएबल रीजन। द केमिकल सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर नोन एज, जीवित जीव से प्राप्त ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीवी को की वृद्धि को संदमित करने का प्रभाव दर्शाते हैं वो क्या कहलाएंगे। ये इनसे एंटीसी लिया हुआ है, एंटीबायोटिक्स है बेसिकली, ये कैसे केमिकल हैं जो कि एक फंगस से या एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए गए, और ये किसी खास सब्सटेंस, खास एक बायोलॉजिकल जो सेल है जिसको अपन कहते हैं बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ को रोक सकता है, ये एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आता है। एंडोटॉक्सिन तो बॉडी के अंदर रिलीज होने वाले टॉक्सिंस हैं, एंडोटॉक्सिन कहलाते हैं। एक्सोटॉक्सिन मींस बॉडी से बाहर रिलीज टॉक्सिन, वो एक्सोटॉक्सिन कहलाते हैं। एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडीज तो बॉडी खुद बना रहा है या फिर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बाहर से बना के लाते हो। तो यहां पर अपन ने पूछा है द केमिकल सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव इनहिबिटरी इफेक्ट, इससे क्या है संदमित करने का प्रभाव दर्शाता है, वो एंटीबायोटिक्स ही होते हैं। तो आंसर हो गया यहां पर सेकंड। Select an incorrect statement for adolescence. गलत कथन का चयन करें। It is accompanied by several biological and behavioral changes. बिल्कुल होता है। Adolescence आने पर body के अंदर hormonal level जो होते हैं, उनमें change आता है, और उसकी वजह से ये चीजें बदल जाती हैं। Period between 12 to 18 years of age.
बात थोड़ी सी अधूरी है ये, इट इज ए ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये बात भी ठीक है लेकिन थोड़ी सी अधूरी है। अपने को गलत कदम का चयन करना, है ना, ये बात ठीक है अधूरी है, ये बात ठीक है अधूरी है, ये बात ठीक है अधूरी है। Adolescence means only a period during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and belief. ये गलत है, biological point of view से ये गलत है। तो अपन ने incorrect पूछा है, fourth is incorrect, answer क्या हो गया, four। The drugs used to quickly reduce the symptoms of allergy are, एलर्जी के सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए अपन देते हैं स्टीरॉयड और एंटीहिस्टामिन। क्या देते हैं अपन, हिस्टामिन नहीं देंगे, हिस्टामिन से तो और वो एलर्जी प्रोवोक हो जाएगी, अपन क्या देंगे दवा के तौर पे एंटीहिस्टामिन जो उस हिस्टामिन के प्रभाव को, उसके इफेक्ट को सप्रेस कर सके, और स्टीरॉयड जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सके। ऐसा करने से क्या होगा, जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जो बॉडी को खुजली, जलन, नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, उल्टी आना, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं उनसे बचा लेते हैं। यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं जिनका यूज किया जाता है एलर्जी के सिम्टम्स से बचने के लिए तेजी से, वो है एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉइड। इंटरफेरॉन यूज नहीं होते एलर्जी के लिए, एड्रेनालिन सॉरी यूज होता है, इसका यूज नहीं होता थायरोक्सिन का, ये तो एक हार्मोन है ना, तो थायरोक्सिन तो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। स्टेरॉइड्स यहाँ पर काम करते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का, और एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं ये हिस्टामिन के इफेक्ट को रोक देते हैं, और इसका रिजल्ट होता है एलर्जी से निजात मिल जाती है, एलर्जी के सिम्टम्स जो होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, एंटीहिस्टामिन एंड स्टेरॉइड्स, इंटरफेरॉन का यूज नहीं होता। एच आई वी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ, ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसमें लर्न करने वाला पॉइंट है, आपको इसको ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ये बातें सीखने की होती है। कोई वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जैसे हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है, सबका अलग अलग होता है, तो आपके सिलेबस में जो है एच आई वी है उसका जो जीनोम है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के दो मॉलिक्यूल्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के दो मॉलिक्यूल्स इस तरह से, ये है एच आई। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इन्फेक्शियस डिजीजेस इंक्रीज इन पॉपुलेशन पोस्ट रेनी सीजन, बारिश होती है उसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ एकदम फास्ट होती है, वायरल मल्टीप्लीकेशन एकदम फास्ट होता है, तो जो इन्फेक्टिव ये इन्फेक्शियस डिजीज है वो बारिश के बाद एकदम से पॉपुलेशन में बढ़ जाती है। अपने को रॉन्ग ढूंढना है जानना, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है कि यूज ऑफ गैम्बूसिया एज ए लार्विसाइडल फिश इज नॉट इन प्रैक्टिस नाउ बिकॉज इट ईट्स आउट द लार्वा ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स ऑल्सो। पहले जमाने में, आज से कई साल पहले, गैम्बूसिया फिश का यूज होता था, एनसीईआरटी में लिख रखा, आज भी यूज होता है ना, हालांकि पुरानी बात हो गई, वो बात किताब में तो बदली नहीं, लेकिन आजकल प्रेजेंट डे में गैम्बूसिया का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं जो इकोसिस्टम में एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, जो पॉलिनेट करते हैं, जैसे बटरफ्लाई वगैरह हो गए जो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लार्वा को भी खा जाती है, ऐसे केस के अंदर आजकल गैम्बूसिया का यूज नहीं किया जाता। ये बात सही है, अपने को गलत ढूंढनी है। ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉजेस गोनोरिया, अरे इससे गोनोरिया नहीं होता भाई, इससे होता सिफिलिस। तो ये गलत हो गया। वर्म इन्फेस्टेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग गुड हाइजीन, स्वच्छता बनाए रखिए, कृमि संक्रमण को रोका जा सकता है, सही बात है।
यहां पर अपने को गलत बात ढूंढनी थी, तो ये गलत बात है। थर्ड आंसर क्या हो गया? थ्री। The cell is called HIV factory. HIV factory का मतलब ये है कि जहां पे वायरस जाके मल्टीप्लाई करता है, अपनी कॉपी बनाता है एक के बाद एक बड़ी तेजी से, तो वो मैक्रोफेजेस होती है जहां पे जाके वो ये काम करता है। हेल्पर सेल में तो जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वो न्यूट्रोफिल में जाता नहीं है, मेमोरी बी सेल पे वो अटैक करता नहीं है। तो वहां पे दो सेल्स हैं जिनको आपको याद रखना है HIV से रिलेटेड, एक है टी हेल्पर सेल और एक है मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज को ये जो है अपनी फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करता, मींस वहां पे जाके तेजी से मल्टीप्लाई होता है, दूसरी सेल को इन्फेक्ट करने के लिए पार्टिकल बन के वहीं से निकलता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकंड, मैक्रोफेजेस। सिंड्रोम ऐसी बीमारी जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन, एक से ज्यादा तरह के जो सेल्स हैं वो अफेक्ट हों, वो सिंड्रोम कहलाता है। जैसे HIV एक तरह का सिंड्रोम क्रिएट करता है, इसको अपन नाम देते हैं एड्स। एड्स क्या है? कई बीमारियां हो जाती है ना उसके अंदर, तो सिंड्रोम हो गया वो। डायबिटीज मेलाइटस है, किडनी भी डैमेज हो गए साहब, आंखें भी डैमेज हो सकती हैं साहब, और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं डायबिटीज की वजह से। तो डायबिटीज एक तरह का सिंड्रोम हो गया जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गन जो है वो डैमेज हुए हैं, अफेक्टेड है। सिंड्रोम में क्या है? एनाफिलेक्टिक शॉक का मतलब तो ये कि अचानक से हुआ हुआ किस तरह का रिएक्शन जिसमें जो बॉडी है उसकी जो सेल्स हैं वो इस तरह से रिएक्ट कर गई ताकि वो बॉडी जो है वो उसको समझ ही नहीं पाया हुआ क्या, बेहोशी आ गई, उल्टी आ गई, चक्कर आ गए, टीका लगाया था एकदम से ऐसा खतरनाक रिएक्शन हुआ टीके का या दवा का कि बॉडी जो है वो बिल्कुल एकदम उल्टी, चक्कर, दस्ताना, ये एनाफिलेक्टिक शॉक में चला जाता है। क्रोनिक इलनेस लंबे समय से चली आ रही कोई बीमारी सिंड्रोम नहीं कहलाती। सिंड्रोम एज से रिलेटेड भी नहीं है कोई, तो सिंड्रोम किसे कहेंगे? ए डिजीज विच अफेक्ट्स मल्टीपल ऑर्गन्स, ऐसी बीमारी जो कई अंगों को जो है प्रभावित करे वो एक सिंड्रोम की श्रेणी में आ जाती है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे फोर। रिट्रोवायरसेस आर वायरसेस दैट कैन सिंथेसाइज। अभी अपन ने लिखा था कि आरएनए, डीएनए, यहां पर एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये है रिट्रोवायरस। ये डीएनए बना रहा है किससे? आरएनए से। ये क्या कर रहा है? डीएनए बना रहा है किससे? आरएनए से। डीएनए फ्रॉम आरएनए, आरएनए से डीएनए बना रहा है। करेक्ट आंसर इज फोर। जो HIV है वो इसी कैटेगरी में आता। नेक्स्ट वर्ल्ड एड्स डे, ये तो याद रखने वाली बात है, 1 दिसंबर होता है वर्ल्ड एड्स डे। WHO ने टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ एड्स, ये एक दिन जो है वो निर्धारित कर रखा है, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे कहलाता है। कैंसर सेल्स डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी, कैंसर सेल कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करती? मेटास्टेसिस, यानी कि एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाना, दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शो करती है। इमोर्टेलिटी मीन्स कभी नहीं मरने का प्रॉपर्टी, वो भी शो करती है। अमर होने की प्रॉपर्टी है वो भी शो करती है, ये भी गुण दर्शाती है। जेनेटिक अनस्टेबिलिटी, देखो आप जेनेटिक अनस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये मान लीजिए एक सेल का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और यहां पर एक ये जीन है। इस तरह से अपन इसको समझें। अब ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसमें आप
तरह से ये पढ़ते हो। अब म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने से कोई भी सीक्वेंस है ये चेंज हो सकता है। ऐसा होना कैंसर सेल के लिए एक आम बात है, 2 साल 3 साल 4 साल 2 महीने 3 महीने कुछ कहना अनसर्टेन होता है कि साहब कितने पीरियड में वो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर चेंज आ सकता है, लेकिन वो चेंज आ सकता है। तो जेनेटिकली अनस्टेबल होती है, म्यूटेशंस आर पॉसिबल, सही बात है, लेकिन इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो कि होना चाहिए वो नहीं होता। मींस एक सेल्स का ये ग्रुप है, ये सेल्स आपस में मिलके एक दूसरे की सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं ताकि सबका काम चलता रहे, न्यूट्रिएंट सबको बराबर मिलते रहे, इस तरह से। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है कैंसर सेल खो देती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होने से। मान लीजिए ये एक सेल कोई सी भी एक्सवाई जेड कोई भी सेल खराब हो गई, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसमें खत्म हुआ नहीं, और फिर ये जब मल्टीप्लाई करेगी तो ये बाकियों को सबको निपटा देगी, यहां से इसका नंबर बढ़ता जाएगा, बाकी सेल्स जो है वो धीरे 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 कम होती जाएंगी और ये बढ़ जाएगा। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता इसका। आंसर हो गया ओ, कैंसर कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता, तो ये संपर्क संक्रमण नहीं होता, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता, कैंसर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ, कैंसर के इलाज में क्या होता है, दवाइयां, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे वो गोली हो, कीमोथेरेपी यूज होती है, रेडिएशन से कैंसर को किल किया जाता है कोबाल्ट 60 से, इम्यूनोथेरेपी इसके अंदर आजकल बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो है वो स्टिमुलेट कर दिया जाता है, वो कैंसर सेल पे अटैक करता है और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ये लेटेस्ट कंसेप्ट है, ये कैंसर के इलाज का लेटेस्ट कंसेप्ट है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को अपन इस तरह से डिजाइन कर देते हैं ताकि वो कैंसर सेल पे अटैक करके उसकी ग्रोथ को रोक दे, उसको सप्रेस कर दे, इम्यूनोथेरेपी इस्तेमाल होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री इन सब का, तो ये सही आंसर तो यही हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री। टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन, टी लिम्फोसाइट किस में पार्टिसिपेट करती है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का कंपोनेंट है, तो कोशिका माध्यमिक प्रतिरोधी क्षमता उसका घटक होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं टी मेमोरी सेल, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, सारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का कंपोनेंट है वो। एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस ये नहीं करती, फेगोसाइटोसिस में ये पार्टिसिपेट नहीं करती, तो ये किस में पार्टिसिपेट कर रही है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का, जिसमें आप खासतौर से पढ़ते हो टी हेल्पर सेल्स, ये किसमें भाग ले रही है, कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षी क्षमता में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भाग लेती है। When immune system fails to recognize self and non-self cells or tissues, it results into, जब अपना प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है अपने और पराये में विभेद करना भूल जाता है तो क्या होता है, तो उससे ऑटोइम्यून रोग हो जाएंगे भाई, बॉडी की सेल्स जब बॉडी पे ही अटैक कर देंगी तो बीमारियां कैसे होंगी, ऑटोइम्यून बीमारियां हो जाएंगी ना, एलर्जी नहीं होगी इससे, सेल्फ और नॉन सेल्फ के रिकॉग्निशन से एलर्जी नहीं होती है ना, अंडर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडी का उत्पादन कम हो जाएगा, वो भी नहीं होता इसके अंदर, एज रिलेटेड डिजीजेस है यानी कि आयु संबंधित रोग है, जैसे कोई बुढ़ापे में जाके कोई आर्थराइटिस हो गया या कोई दूसरी जो है डिजेनरेटिव डिजीज हो गई दिमाग में भूल जाने की बीमारी, वो एज रिलेटेड भी नहीं है। तो अपना जो इम्यून सिस्टम है जब ये अपने और पराए में सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट करना करने में फेल हो जाता है तो क्या होता है, बॉडी की सेल्स, बॉडी की सेल्स या टिश्यूज पे अटैक कर देते हैं, तो ये बीमारियां क्या कहलाती हैं, कहलाती हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऐसी बीमारियों की लंबी लिस्ट है, 100 के ऊपर बीमारियां हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में आती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस खास इसमें बड़ी खतरनाक होती हैं,
ज्वाइंट डिजीज अपन पढ़ते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, होशिमोटो थायराइडाइटिस, बहुत सारी बीमारियां हैं, ऑटोइम्यून डिजीज, वो सारे इस सिस्टम में गड़बड़ी है। सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट करना, वो प्रॉपर्टी खत्म हो गई। एलर्जिक कंडीशंस कॉज्ड बाय पोलन ग्रेन्स कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज इज कॉल्ड, अगर कोई पोलन ग्रेन नाक के थ्रू अंदर गए तो नेजल म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन करेंगे तो नाक बहने लग जाएगी, मींस नाक से म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इंक्रीज्ड नेजल सिक्रीशन, आप यूं माने कि नाक का, नाक की स्टडी क्या कहलाती है, राइनोलॉजी, नाक का अध्ययन क्या कहलाता है, राइनोलॉजी, नाक का इंफ्लामेशन ये कहलाता है राइनाइटिस। ये क्या है, ये है इंफ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकस, नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इंफ्लामेशन हो गया तो पानी बहने लग जाएगा, म्यूकस का स्राव बढ़ जाएगा, ये कहलाता है राइनाइटिस, है ना, नाक का अध्ययन कहलाता है राइनोलॉजी, नाक का इंफ्लामेशन कहलाएगा राइनाइटिस, फेरिंग्स का इंफ्लामेशन फेरिंजाइटिस, लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई होते हैं उनका इंफ्लामेशन ब्रोंकाइटिस, लैरिंग्स का इंफ्लामेशन लैरिंजाइटिस, तो नोज की बात की गई है यहां पे वो कहलाएगा राइनाइटिस। सेकंड आंसर इसके अंदर है। अब एक बड़ा अच्छा सवाल है, अगर आंसुओं का उत्पादन कम हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आंख से आंसू जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव, उसके अंदर लाइसोजाइम है, आप बायोलॉजिकल एंगल से अगर अपन बात करें तो टीयर के अंदर कुछ एक सॉल्ट्स होते हैं और लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और मेनली वाटर होता है उसके अंदर, अब ये आंख को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, आंख को सराउंडिंग एयर से जो बैक्टीरिया या जो हार्मफुल पार्टिकल है उनसे बचाता है आंसू, अब वो आंसू ही कम हो जाएगा तो नेचुरल है वो बैक्टीरिया या वो हार्मफुल पार्टिकल वो आंख को डैमेज कर सकते हैं, इतनी सी बात है, तो आंखों से पानी आना कम हो जाएगा, अभी कह रहा वाटरी आईज, आंखों से अधिक पानी आना तो आंसू उत्पादन कम होने से तो पानी अधिक आएगा, कम आएगा तो ये अधिक तो आएगा नहीं, ये तो गलत है, वाटरी आईज का मतलब है तो पानी आंसू ज्यादा आ रहे हैं, अपन तो बात कर रहे हैं अंडर प्रोडक्शन की। फार साइटेडनेस यानी कि वही पास का दूर का देखने वाला गड़बड़ी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी तो बार बार आंखों में इंफेक्शन हो जाएगा, अगर आंसुओं का प्रोडक्शन कम हो गया तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, लाइसोजाइम प्रोडक्शन कम हो जाएगा, टीयर्स कम हुए तो लाइसोजाइम प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लाइसोजाइम प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, रिपीटेड आई इंफेक्शन, बार बार आंसू कम होने से लाइसोजाइम का उत्पादन कम हुआ, लाइसोजाइम का प्रोडक्शन कम हुआ तो रिपीटेड आई इंफेक्शन होने लग जाएंगे। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इंजेस्टेड विद फूड आर किल्ड बाय, तो बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर चला जाता है खाने के साथ, किसके साथ, खाने के साथ, भोजन के साथ, तो सीलिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, म्यूकस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ध्यान रखना म्यूकस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अंदर जाने के बाद तो ये HCL का रोल आ जाता है सीधा, या फिर वो बात आ जाती है पेयर्स पैचेस की, इंट्रिंसिक फैक्टर इसका भी रोल नहीं है, ड्यूडेनम से आने वाला बाइल उसका भी कोई रोल नहीं है, तो यहां पर रोल किसका बेटा, सिर्फ स्टमक में प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहां पे, सेकंड, फूड के साथ जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर किए उसको कौन किल करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या करेगा, वो उसको बैक्टीरिया को किल कर देता है। इंट्रिंसिक कारक तो आपको पता है विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, डाइजेस्ट सिस्टम में आप पढ़ते हो,
बाइल का ऐसा कोई रोल होता नहीं है, है ना, और सीलिया एलिमेंट्री कैनाल में कहीं है नहीं, है ना, म्यूकस जरूर है लेकिन वो म्यूकस जो है वो प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता डायरेक्टली, लेकिन हाँ वो म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के ऊपर बात करते हैं वो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, सीलिया नहीं होता। तो यहाँ पर सीधा आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सीलिया यहाँ नहीं होती, ध्यान रखना। आंसर इज टू। How we can protect a person sensitive for allergy from pollen grain? अब एक ऐसा इंसान है जो pollen grain की एलर्जी से पीड़ित है, ठीक है, पता है उसको कि मेरे को pollen grain से एलर्जी है, तो अपन क्या इलाज करेंगे उसमें? सबसे बढ़िया यार ऐसी जगह मत जा जहां pollen grains होते हो, दवाई देके तो आप ठीक कर सकते हो बीमारी को, आप उसको रोक कैसे सकते हो? पूछा क्या गया है? प्रोटेक्शन, परागकणों से प्रेरित एलर्जी के प्रति संवेदनशील व्यक्ति कैसे बचा सकते हैं? तो एंटी हिस्टामिन बार बार दोगे इंजेक्शन के तौर पे या गोलियां, एंटी हिस्टामिन गोलियां खिलाओगे तो नींद आएगी उससे, तो आदमी सोता ही रह जाए। एंटी हिस्टामिन क्या साइड इफेक्ट शो करते हैं? नींद आती है, आपका तो सिट्रिजिन की गोली, एलर्जी होती है जुकाम होते ही उससे नींद आती है, लिख रखा था उसको, तो बार बार एंटी हिस्टामिन दोगे तो नींद आएगी, ये को अच्छा काम थोड़ी किया अपन ने, स्टीरॉइड की हाई डोज दे दी, है ना, बीमारी तो कंट्रोल हो जाएगी, देखो इससे एंटी हिस्टामिन देने से बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, स्टीरॉइड की ज्यादा डोज देने से बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, बॉडी के किडनी डैमेज हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गन्स पे हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं ज्यादा स्टीरॉइड देने से, एलर्जी तो कंट्रोल हो जाएगी। तो यार गिविंग एड्रेनालिन रिपीटेडली, बार बार उसमें एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाया जाए तो उससे भी टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं। तो अपन सबसे बढ़िया इलाज क्या है? आस्किंग द पर्सन टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द साइट वेयर पॉलन ग्रेन्स आर अबंडेंट। ऐसे व्यक्ति को ऐसी जगह जाने से मना कर दिया जाता है या रोका जाता है जहां पे पॉलन ग्रेन उपस्थित हों प्रचुर मात्रा में। सबसे बढ़िया इलाज ये प्रोटेक्शन का। एलर्जी कब एक बार पता लग जाए, पता लगाया जाता है कि किससे एलर्जी है, फिर उस व्यक्ति को जिसमें एलर्जी का पता लग चुका है उसको सबसे पहले यह सलाह दी जाती है कि भैया इससे बच के रहना है, ये नहीं कि साहब ये दवाई खानी है आपको, उससे बच के रहना है, ये सबसे बढ़िया इलाज है। आंसर क्या हो गया? 4, सेफ है। एंटीहिस्टामिन्स आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, एंटीहिस्टामिन का यूज किसमें होता है? एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये क्या करते हैं एंटीहिस्टामिन? हिस्टामिन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए कहलाते हैं एंटी हिस्टामिन। अपन ने देखा कि जो बेसोफिल है, जो मास सेल्स हैं, वो हिस्टामिन प्रोड्यूस करती हैं। हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है, उससे बनता है हिस्टामिन। अब हिस्टामिन जो होता है उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं वो सामने आते हैं, खुजली हो गई, जलन हो गई, आंखों से पानी आ गया, नाक से पानी आ गया, है ना, सूजन आ गई, ये सारे हिस्टामिन के इफेक्ट है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन ने क्या दिया? एंटी हिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या करेगा? ये हिस्टामिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनको जाके अवरुद्ध कर देगा, उनको जाके ब्लॉक कर देगा। जब वो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो हिस्टामिन किससे जाके जुड़ेगा? किसी से जाके नहीं जुड़ सकता, जाके नहीं जुड़ेगा तो एलर्जी के जो प्रभाव है धीरे 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 कम होते जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ। एंटीहिस्टामिन इस तरह की दवाइयाँ हैं जो कि हिस्टामिन के रिसेप्टर से जाके जुड़ जाती हैं। हिस्टामिन के रिसेप्टर्स पूरे बॉडी में हर जगह हैं करीब करीब। जब ये दवाइयाँ हिस्टामिन के रिसेप्टर से जाके जुड़ जाती हैं, उसे ग्राही से जाके जुड़ जाती हैं, तो क्या करेंगे? हिस्टामिन का प्रभाव नहीं हो पाएगा। हिस्टामिन का प्रभाव नहीं हो पाएगा, उसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा, तो बॉडी जो है वो उस पर्टिकुलर पदार्थ जिससे एलर्जी है उससे बच जाए। फोर है आंसर। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम, कृत्रिम प्रतिरक्षा उपार्जित की जा सकती है। तो गंभीर बीमार हो गए तो कोई प्रतिरक्षा आज तक आई नहीं साहब, हमने तो कहीं मैं सुना ना पड़ा, सीरियस इलनेस से कोई प्रतिरक्षा नहीं आती। वैक्सीनेशन से आती है, बिल्कुल आती है, टीकाकरण से आती है। एक ही सूक्ष्म जीवी को बार बार सामना हो जाए, एक ही माइक्रोब को बार बार आप फेस कर रहे हो, उससे आर्टिफिशियल इम्यूनिटी नहीं आएगी, उससे नेचुरल आ सकती है। इससे कौन सी आएगी? नेचुरल, ये नहीं आएगी। पेनिसिलिन
तो ये तो एंटीबायोटिक, इससे गाय की इम्यूनिटी, इससे कोई इम्यूनिटी नहीं। तो यहाँ पर बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन से अपन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को ऑप्टेन कर सकते हैं, कृत्रिम प्रतिरक्षा को उपार्जित किया जाता है किसके द्वारा, टीकाकरण द्वारा। पेनिसिलिन से नहीं आएगा, बार बार एंटीजन का सामना करने से तो एक्टिव हो जाएगी वो, आर्टिफिशियल नहीं होगी, नेचुरल हो जाएगी फिर। तो नेचुरल की पूछा नहीं है, पूछा गया आर्टिफिशियल के बारे में। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग मैच्योरेशन टी सेल्स मेक स्पेसिफिक प्रोटीन सिमिलर टू एंटीबॉडीज दैट बिकम, परिपक्वन के दौरान टी कोशिकाएं विशिष्ट प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं जो एंटीबॉडीज के समान होते हैं। ये भविष्य में कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे, ये उसी पे रहेंगे जहां बने थे। मीन्स अगर ये सपोज कीजिए टी लिम्फोसाइट है जो कि कैसी है, परिपक्व है, मैच्योर्ड है। क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग मैच्योरेशन जब ये परिपक्व हो रही थी तो टी सेल्स एक स्पेसिफिक प्रोटीन निर्मित करेगी जो कि एंटीबॉडीज के समान होगा, वो कहां जाएगा, तो एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड की मेम्ब्रेन में अगर वो धंस गया तो वहां जाके क्या कर लेगा, कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसको, लिम्फ नोड की मेम्ब्रेन पे जाके कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा है रिसेप्टर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, ये सही है, ये यहां आके ये रिसेप्टर्स डेवलप हो जाएंगे, ये रिसेप्टर्स हैं। आपको एक लाइन में बता दूं, जो शब्द है मैच्योरेशन, चाहे वो टी लिम्फोसाइट का हो चाहे वो बी लिम्फोसाइट का हो, दोनों सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन का मतलब ये होता है कि दीज सेल्स, इन कोशिकाओं को आप काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार करके छोड़ रहे हो। काम कैसे करेंगी, जब ये अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट को ढंग से रिकॉग्नाइज करेंगी, पहचानेंगी, और ये रिकॉग्निशन का काम जो होता है मैच्योरेशन के दौरान ये इनके रिसेप्टर्स का। तो बात कैसे आ जाती है कि ड्यूरिंग मैच्योरेशन क्या चीज होती है, वो रिसेप्टर्स डेवलप हो जाते हैं, उन रिसेप्टर्स की हेल्प से जो काम उनको दिया गया है या दिया जाने वाला है उस काम को वो ज्यादा अच्छे से करने में अडप्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कहा होगा इंटरस्टिशियल फ्लूड में नहीं जाएंगे वो प्रोटीन, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाएंगे एंटीबॉडी में, वो कहाँ जाएंगे, रिसेप्टर की तरह काम करेंगे, कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टी सेल, टी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स की तरह काम कर देंगे, ये प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स मेड ड्यूरिंग मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के दौरान, हिंदी में क्या बोलेंगे, परिपक्वन के दौरान बनने वाले प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन विद सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी हैज नॉन फंक्शनल, एक ऐसा पर्सन जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस तरह का चेंज हो गया है कि रेड बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो नहीं बन पा रही, तो बीमारी कहलाती है स्किड, बीमारी क्या कहलाती है, स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षी न्यूनता। उसके अंदर क्या होगा, एक्रियाशील टी और बी लिम्फोसाइट्स होती है, उसका न्यूट्रोफिल एक्रियाशील नहीं होती, मैक्रोफेजेस नहीं होती, लिम्फ नोड्स नहीं होती, तो ये टी एंड बी लिम्फोसाइट्स ये नहीं होती उसके अंदर। तो क्या होता है कि पुअर इम्यूनिटी, एंड उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट है रिपीटेड इन्फेक्शंस, बार बार संक्रमण होते चले जाएंगे, ये होता है स्किड के अंदर। फिर है अनट्रीटेड विक्टिम्स ऑफ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी यूजुअली डाई फ्रॉम,
यही बीमारी जिसका अपन अभी डिस्कशन किया, गंभीर से प्रतिरक्षी न्यूनता से पीड़ित व्यक्ति जिसे इलाज नहीं मिला हो उसकी मृत्यु किससे होती है? उसकी मृत्यु इसलिए हो सकती है कि जो नॉर्मल कमजोर से कमजोर पैथोजन है वो उसके शरीर पे आके अटैक कर सकता है और उसके बॉडी को डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है इन्फेक्शन के कारण। इन्फेक्शन हो जाएंगे, सीधी बात ही है, ऐसे इन्फेक्शन जिससे आप और हम नॉर्मली बचे रहते हैं। अगर वो इन्फेक्शन उसको हो गए तो वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल जो इन्फेक्शन है वो ही बड़े खतरनाक हो जाते हैं। क्या बोला ना, नॉर्मल इन्फेक्शन ही बड़े खतरनाक हो जाते हैं, तो उसकी डेथ हो सकती है किससे, इन्फेक्शन दैट इन अदर पीपुल आर माइनर। दूसरे लोगों में वो इन्फेक्शन हुए तो बड़े माइनर होंगे, लेकिन अगर किसी को स्किड है तो स्किड की वजह से क्या होगा कि जो इन्फेक्शन होंगे वो माइनर ही है ऑर्डिनरी के लिए तो, लेकिन स्किड वाले के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएंगे, जान का खतरा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सी सेल नहीं है, अभी अपन ने देखा टी एंड बी सेल्स, इनका नंबर कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज वन। द मेजर फेगोसाइटिक सेल्स आर, प्रमुख भक्षाणुकारी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो मैक्रोफेजेस हैं, है ना। मैक्रोफेजेस दो तरह की होती हैं, एक तो लोकलाइज्ड होती हैं, एक स्थान पर फिक्स रहती हैं, जैसे डस्ट सेल आप पढ़ते हो लंग्स के अंदर, होती है मोबाइल जो कि ब्लड वेसल से कैपिलरीज से निकलती हैं, वो मोनोसाइट्स के मॉडिफिकेशन से बनती हैं, वो मोबाइल मैक्रोफेजेस होती हैं। तो अपने बॉडी में दोनों तरह की मैक्रोफेजेस हैं, एक तो होती हैं जो एक ही प्लेस पे रहती हैं, जैसे मैंने नाम दिया आपको डस्ट सेल्स हैं, वो लंग्स के अंदर रहती हैं, उनका काम होता है जो हवा के साथ में जो पैथोजन अंदर गए उनको वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और एक होती हैं जो कि ब्लड वेसल से स्क्वीज आउट करती हैं, डायपिडेसिस का प्रोसेस होता है, डायपिडेसिस, उस डायपिडेसिस से वो मोनोसाइट और वो न्यूट्रोफिल जो होती है वो कैपिलरी से बाहर आती है, और बाहर आके फिर वो फेगोसाइटोसिस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, वो वंडरिंग मैक्रोफेजेस कहलाती हैं, होती फेगोसाइटिक ही हैं। ये काम कौन कर रहा है? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मैंने आपको बता दिया दो तरह की होती हैं। ये कैसी सेल्स होती हैं? ये होती हैं फेगोसाइटिक सेल, या हिंदी में बोले तो भक्षाणुकारी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट ब्लड सेल्स दैट आर नॉन स्पेसिफिक किलर ऑफ माइक्रोब्स, ऐसी WBCs, वैश्वेत कोशिकाएं जो सूक्ष्म जीवियों को बिना किसी भेदभाव के नष्ट कर सकती हैं। तो ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं। फैगोसाइटिक सेल्स जिनको अपन ने भी डिस्कस किया, ये बेसिकली दो तरह की सेल्स हैं, एक है न्यूट्रोफिल्स, एक होती हैं मोनोसाइट्स जो कि कन्वर्ट हो सकती हैं एक मैक्रोफेज में। ये कैसी सेल्स हैं? ये हैं दोनों की दोनों फैगोसाइटिक सेल्स, भक्षाणुकारी कोशिकाएं। टी किलर सेल्स जो होती हैं ये इन्फेक्टेड सेल्स या हार्मफुल सेल्स जो होती हैं जो बॉडी को किसी ना किसी दूसरे तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है किलर टी सेल्स। बी सेल्स जो होती हैं आपको पता है ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, टी हेल्पर सेल्स होती है ये कई तरह के काम करती है लेकिन फैगोसाइटोसिस नहीं करती। फैगोसाइटोसिस करने वाली जो सेल्स हैं वो यही हैं दो खास। तो ये इंडिस्क्रिमिनेट मतलब ये सेलेक्ट नहीं करती कि साहब मैं वायरस को ही मारूंगी कि मैं बैक्टीरिया को ही मारूंगी या कोई जो बॉडी के अंदर हार्मफुल दूसरे सब्सटेंस हैं उनको मैं डिस्ट्रॉय करूंगी। तो ये कैसी होती हैं? बिना किसी भेदभाव को नष्ट करती हैं फैगोसाइट्स, WBCs। ये दो के नाम लिख दिए, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। आंसर क्या हो गया? सेकंड। ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम डिफेंड्स मोस्टली अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन द, तो ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब ही क्या है? लिक्विड। या
तरल माध्यम प्रतिरक्षित तंत्र प्रमुखतः जीवाणुओं और वायरसों से रक्षा करता है, जो उपस्थित होते हैं तो शरीर के तरलों में उपस्थित होते हैं, बॉडी के फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी है, हार्ट है, वहां पे नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वहां पे नहीं है। ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहाँ मिलेंगे आपको? ये तो उसकी वॉल में अगर कहता तो फिर मिल सकते थे, लेकिन वॉल ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, भित्ति तो नहीं लिख रखा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका मतलब ये होगा आर नाल। एक हो गया रीजन, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो त्वचा के नीचे स्थित है। तो ये ह्यूमरल इम्यून सिस्टम जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस से डिफेंड करता है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है बॉडी के फ्लूइड्स में, जैसे कि ब्लड, लिम्फ, एक है अंतराली तरल या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो करेक्ट आंसर इज वन, बॉडी के फ्लूइड्स में होता है। ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, खासतौर से इसमें आ गई, एक तो बी लिम्फोसाइट, एक आ गई इसके अंदर प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स ये आईजी प्रोडक्शन कर रही हैं, करेक्ट आंसर इज वन। फैटी लिवर सिंड्रोम, ये तो अल्कोहल कंजम्पशन करने वालों में होता है कि बॉडी के अंदर जब जरूरत से ज्यादा अल्कोहल जाती है तो वो एक एंजाइम है लिवर प्रोड्यूस कर रहा है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, वो एक लिमिट तक उस अल्कोहल को ब्रेक कर सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है। अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। अब जरूरत से ज्यादा अगर लिवर पे अपन लोड डालेंगे तो लिवर की अंदर जो चलने वाले जो प्रोसेस हैं वो बिगड़ जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि फैट का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, तो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है लिवर के अंदर, है ना, फैटी लिवर कहते हैं अपन उसको। बॉडी के अंदर ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से ये एक बीमारी है जो जुड़ी हुई है। और ये किस वजह से हो रही है? अल्कोहलिक बेवरेजेस की यूज करने से, अल्कोहल का यूज करने से कौन सी बीमारी हो रही है? फैटी लिवर सिंड्रोम, जिसको अपन कॉमनली बोल देते हैं। आगे जाके ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब होता है ये गल गया बिल्कुल, एकदम बिल्कुल डिकम्पोज होने वाली कंडीशन में चला जाता है, उसका मतलब होता है सिरोसिस। अल्कोहलिक बेवरेजेस, इथाइल अल्कोहल, उसके यूज से हो रहा है। सेकंड इसका आंसर, Which of the following component is not digested in the alimentary canal of an infant but rather absorbed? ऐसा कौन सा substance है जो एक छोटा बेबी जब वो पैदा हुआ, जब उसने दुनिया में कदम रखा तो उसके alimentary canal में वो substance चला तो गया, जाने के बाद वो क्या हो जाना चाहिए? Digest हो जाना चाहिए। जैसे अपन ने दूध पिलाया एक छोटे बच्चे को, तो दूध की प्रोटीन होती है कैसीन, तो कैसीन तो डाइजेस्ट हो जाएगी, कैसीन को तो डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, वहां पे एंजाइम प्रेजेंट रहने वो डाइजेस्ट कर लेगा उस कैसीन को, तो कैसीन तो हो नहीं सकती। IgA ये कोलेस्ट्रम में जाती है, मदर मिल्क जो होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रम होता है, उसको कोलेस्ट्रम कह देते हैं अपन। उसके अंदर एंटीबॉडी ए होती है, तो वो जब जाती है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती और उससे बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसमें IgD नहीं होती, और ये तो आपने पढ़ रखा होगा, एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, इसका भी कोई रोल नहीं है। IgD तो बहुत ही कम अमाउंट में होती है, ये अपने को इससे रिलेशनशिप भी नहीं है। आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ये शो कर रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए इसको आंसर करने के लिए कि कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है। कोलेस्ट्रम में होती है IgA,
ये IgA क्या कर रही है, ये एब्जॉर्ब हो जाती है, ये डाइजेस्ट नहीं होती। कोलोस्ट्रम के साथ जब बच्चे ने IgA को लिया तो IgA एब्जॉर्ब हो गई, तो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा देती है IgA, है ना। कैसी तो डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर ये चली गई तो ये भी डाइजेस्ट हो जाएंगी, इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। एब्जॉर्ब सिर्फ यही होगी, आंसर क्या हो गया IgA जो किसके साथ जा रही है, कोलोस्ट्रम के साथ। स्मोकिंग टोबैको प्रोडक्ट्स डज नॉट कॉज, तंबाकू उत्पाद का धूम्रपान करने से क्या नहीं होता, कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है सर। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड और ऑक्सीजन, हीम बाउंड ऑक्सीजन ये नहीं मिले, ये घट जाएगी, ये गलत है। ब्रोंकाइटिस एम्फाइसी में होगा, लंग्स के अंदर हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ये सब हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हीम है उसका अमाउंट तो कम हो जाएगा भाई। तभी तो अपन कहते हैं ना कि तंबाकू या उसके प्रोडक्ट्स को नहीं लेना चाहिए, हीम से जुड़ी हुई ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि नहीं होगी, ये तो घट जाएगा। क्या नहीं होता पूछा गया है ना यार, ये घट जाएगा। एम्फाइसीमा होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि नहीं होगी, हीम से जुड़ी हुई ऑक्सीजन कैसे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट है, कोकेन इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर ये डोपामिन ट्रांसमिशन का इंटरफेरेंस उसको इंटरफेयर करती है। डोपामिन ब्रेन के अंदर प्रेजेंट एक इस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि है ना क्या कह सकते हैं ना, इनहिबिटरी नेचर का भी है और ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोकेन जो होता है वो क्या करता है, वो डोपामिन ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस कर देता है, उसमें बाधा डाल देता है। वो ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, सही आंसर है इसके अंदर फोर्थ, डोपामिन ट्रांसमिशन को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट की ड्रग है तो दिमाग में जो नॉर्मल थॉट प्रोसेस है वो बिगड़ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। थॉट प्रोसेस जब बिगड़ेगा तो नेचुरल है जो रॉन्ग थॉट्स है वो ब्रेन के अंदर फिर आने चले जाते हैं, तो इंसान जो है वो रियलिटी से धीरे धीरे दूर होता चला जाता है, वास्तविकता से दूर होता चला जाता है, ये साइड इफेक्ट है इसका। डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर आप इसको काम नहीं करने दोगे तो क्या होगा, थॉट प्रोसेस बिगड़ जाएगा, आदमी को गलत चीज सही और सही चीज गलत नजर आने लग जाएगी, इसीलिए कहते हैं ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट, ऐसा इफेक्ट जिससे जो है दिमाग एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, वास्तविकता से दूर, जिसको हिंदी में कहते हैं मति भ्रम, बुद्धि भ्रष्ट हो गई सब, ये हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट। तो ये कोकेन के हाई डोज लेने से होता है, ये क्या होता है, कोकेन के हाई डोज लेने से होता है। मॉर्फिन तो आपको पता है पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, पोस्ट सर्जिकली दी जाती है मॉर्फिन के इंजेक्शन या इसके डेरिवेटिव्स का यूज होता है पेन किलर्स में। बेंजोडाइजेपिन ये स्लीप इंड्यूस करते हैं, बारबिट्यूरेट्स ये एक्साइटमेंट के लिए होते हैं, है ना, अलग अलग इनके सबके रोल। लेकिन अपने से जो पूछा जा रहा है हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट, वो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट आ रहा है कोकेन के यूज से। हाई डोज ऑफ कोकेन कॉजेस हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट, आंसर इज टू। कैंसर के इलाज में, मैंने अभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, दोबारा आ गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरह से पूछा गया है। कैंसर की चिकित्सा में आधुनिकतम अवधारणा है, तो लेटेस्ट कंसेप्ट है बॉडी के इम्यून सिस्टम को अपन जो है वो बूस्टअप कर देते हैं, तो वो बॉडी का इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को ग्रो करने से रोक देता है, उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिससे पेशेंट जो है उसको फायदा हो जाता है। ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स।
इस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस, इस तरह के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के सब्सटेंसेस जो बॉडी के ही सिस्टम को इस्तेमाल करके और बॉडी को कैंसर से बचा लेते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर। तो ये लेटेस्ट कंसेप्ट है कैंसर के इलाज में, किसका? इम्यूनोथेरेपी का यूज। आंसर क्या है? 3। यूज ऑफ कैनाबिस प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स इन, कैनाबिस उत्पादों के उपयोग का परिणाम होता है। कैनाबिनॉइड्स क्या करते हैं ये देखो आप, व्यक्ति की सोच, विचार और भावनाओं को बदल देते हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिस सटाइवा, हेम्प है ना, कैनाबिस सटाइवा क्या होती है, ये हशीश, मैरिजुआना, भांग, गांजा, ये सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका ये यूज होता है। बड़ा सारा एक्चुअल थॉट है ना वो बिगड़ जाएगा, वास्तविकता से इंसान दूर चला जाएगा, व्यक्ति की सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, उसके इमोशंस होते हैं वो भी सब चेंज हो जाएंगे, ये रिजल्ट है इसका। ब्रेन की एक्टिविटी कम नहीं होगी, फीलिंग ऑफ कामनेस, शांति महसूस होना, ये सब सब गलत स्टेटमेंट है। दर्द निवारण के नहीं होते, स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम इंक्रीज, अलर्टनेस इंक्रीज नहीं करते तो बल्कि डल कर देते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या होगा, सोच, विचार और भावना, कैनाबिस प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, परसेप्शन उसको चेंज कर देता है, थॉट्स को चेंज कर देता है और फीलिंग्स को चेंज कर देता है। 90 में आंसर इज 1। साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल इज, एनाबॉलिक स्टेरॉइड ये जो होते हैं ना स्पोर्ट्स पर्सन या रेसलर्स या वेट लिफ्टर्स ये कर सकते हैं, तो ये स्टेरॉइड जब यूज करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड तो बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। एनाबॉलिज्म होता है तो बॉडी के अंदर इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो साइड इफेक्ट क्या होगा, हाई पिच्ड वॉइस, एक महिला में पूछना फीमेल, आप कंसेप्ट समझ में हो गया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज कौन कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन या खिलाड़ी या कुश्ती वाले या पहलवान, वेट लिफ्टिंग करने वाले वो करते हैं इनका यूज। तो महिलाओं में उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, उसमें पुरुष जैसे लक्षण आ जाए, मैस्कुलराइजेशन हो जाएगा, नींद का उससे कोई लेना देना नहीं है, नींद नहीं आएगी बल्कि अलर्टनेस आएगी, बाल्डनेस ये मेल के अंदर होती है, गंजापन मेल, हाई पिच वॉइस बारीक आवाज वो नहीं होगी, लो पिच वॉइस तो सही रहता है। ये है आंसर यहां पे, मैस्कुलिनाइजेशन। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी का उपयोग निम्न में से किस पदार्थ के उत्पादन में होता है, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो क्या है, एक तरह का वो है ये यीस्ट, इसको मैं यीस्ट, इससे अपन पेनिसिलिन, तो ये पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से बनाते हैं। सिट्रिक एसिड ये दूसरे बैक्टीरिया का प्रोडक्ट है। साइक्लोस्पोरिन ए ये भी इससे नहीं बनता, इससे बनता है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज किसमें हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एनसीईआरटी में लिख रखा है कि यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है किसका यूज करते हैं अपन, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज करते हैं, बाकी ये सब ये फंगल या बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं दूसरे। तो ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए कि दूसरे चैप्टर्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि इनका प्रोडक्शन किससे होता है। आप ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी से बाहर का सवाल है, नो, करेक्ट आंसर क्या है, 4। The active form of Entamoeba histolytica feeds upon
एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का जो एडल्ट फॉर्म है वो फीड करता है कोलोन के अंदर जाके एरिथ्रोसाइट्स, कोलोन की म्यूकोसा से और उसके सब म्यूकोसा से, उस पर फीड करके और फिर वो मल्टीप्लाई करता है। सिर्फ अपन ये कहते हैं कि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा तो ये बात इनकम्प्लीट हो जाएगी, ब्लड और ये भी इनकम्प्लीट हो जाएगा, फूड तो ये ले नहीं सकता। तो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, वेयर वी हैव मेंशनड दैट एरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा विच आर प्रेजेंट इन द कोलन, दे आर बीइंग ईटन आउट बाय दिस पैथोजन एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। इट इज ए सार्कोडिन अमीबा स्पीशीज, सार्कोडिन है जिसमें सूडोपोडिया की हेल्प से लोकोमोशन होता है। आंसर इज थ्री। ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड स्टेटमेंट आपके सामने मेंशन है। ए पर्सन में कॉन्टैक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विद वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। यदि कोई व्यक्ति पहले से सिफिलिस से ग्रसित है तो उसका झूठा दूध पी लेने से दूसरे व्यक्ति में सिफिलिस नहीं जाएगा, सिफिलिस जाएगा सिर्फ सेक्सुअली कॉन्टैक्ट। ये अपन ने को क्या पूछा है, सही पूछा है ना, ये तो गलत है। हीमोफीलिया इज वन ऑफ द एसटीडी, हीमोफीलिया तो एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी नहीं है। थर्ड है जेनेटल हर्पीस एंड सिकल सेल एनीमिया, बोथ आर एसटीडीज। सिकल सेल एनीमिया एसटीडी नहीं है, ये वही जेनेटिक डिसऑर्डर है, म्यूटेशन से होता है। जेनेटल हर्पीस तो है लेकिन ये नहीं। The chances of a 5-year boy contracting STDs are almost nil. एक 5 साल के बच्चे को STD होगी उसकी संभावनाएं जीरो होती हैं। ये सही है ना, अपने से सही तो पूछा गया है, सही है ये कि ये 5 साल के बच्चे को STD होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट nil होती है। बाकी ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत है इसका। आंसर इज 4। नेक्स्ट, वेयर विल यू लुक फॉर ए स्पोरोसाइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट। अपन ने ये देखा कि एक फीमेल एनोफिलीज उसकी गट में स्पोरोसाइट बने और गट में स्पोरोसाइट फॉर्म होने के बाद में वो स्पोरोसाइट्स किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू जब वो एक फीमेल एनोफिलीज एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है तो उसमें ट्रांसफर कर देती है। तो ये फॉर्मेशन कहाँ हो गया, गट के अंदर स्पोरोसाइट का। स्पोरोसाइट ट्रांसफर किसके थ्रू हुए, सलाइवा के थ्रू। तो सलाइवरी ग्लैंड से ट्रांसफर होते हैं थ्रू माउथ पार्ट्स। सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ अ फ्रेश इंफेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यहां पर ये स्पोरोसाइट मिल जाएंगे। संक्रमित मादा एनोफिलीज की मच्छर की लार्वा, संक्रमित होनी चाहिए वो, है ना, आरबीसी में स्पोरोसाइट नहीं होते। दूसरा है स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन, स्प्लीन में नहीं जाता स्पोरोसाइट। फोर्थ है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली मोल्टेड, फ्रेशली मोल्टेड का मतलब एक ऐसा फीमेल एनोफिलीज जिसका जन्म ही अभी हुआ है। फ्रेशली मोल्टेड का मतलब तो ये होता है कि जो अभी अभी सेक्सुअली मैच्योर हुआ है, तो उसमें ये स्पोरोसाइट नहीं मिलते। तो किसमें मिलता है, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। आंसर क्या होगा बेटा इसमें, 1। The combination of diseases which spreads by both sexual contact and infected blood. ऐसे रोगों का समुच्चय जो यौन संबंधों तथा संक्रमित रक्त दोनों द्वारा फैलता है। STD भी है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है, वो पूछा गया है। कॉम्बिनेशन, हेपेटाइटिस बी ब्लड से भी फैलता है, एक STD भी है। एड्स जो होता है उसके साथ भी यही होता है। जेनाइटल वार्ड्स ये ओनली बाय सेक्सुअल रूट, ये किससे आता है, सिर्फ सेक्सुअल रूट से। गोनोरिया इसके साथ भी यही है, केवल सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिशन होता है। सिफिलिस ये भी कैसा है, बाय सेक्सुअल रूट से ट्रांसफर होता है, ये भी सेक्सुअल रूट से ट्रांसफर होता है। हेपेटाइटिस बी कौन सा, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये दोनों से ट्रांसफर होते हैं,
किससे? इन्फेक्टेड ब्लड से भी और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से। तो आंसर हो गया इसके अंदर वन। इन्वेजिव टेक्निक टू डिटेक्ट कैंसर इज, कैंसर के निदान में इन्वेजिव तकनीक। इन्वेजिव का मतलब क्या है? एक ऐसी तकनीक जिसके अंदर कोई चीर फाड़ हो, कोई सर्जिकल प्रोसीजर उसके अंदर हो, ब्लड को लिया जाए या कोई एग्जामिनेशन का प्रोसेस हो जिसके अंदर कट लगता हो, वो इन्वेजिव प्रोसेस या स्विच उबाई जाती है, इन्वेजिव प्रोसेस कहलाता है। तो MRI में इन्वेजन नहीं होता। MRI में तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में बॉडी को लगा दिया गया और जिस भी पार्ट के MRI करनी है उसका वो पिक्चर एक लेकर आ जाता है। CT स्कैन में भी किसी तरह का इन्वेजन नहीं होता। बॉडी जो है वो एक एक्सरे के थ्रू गुजारी जाती है और उसके थ्रू ये इमेज बन के आ जाती है। उसमें किसी तरह का कोई काटा पीटी, कोई चीड़फाड़ नहीं होती। एक्सरे में तो सिर्फ एक फोटो ली जाती है। बायोप्सी में जरूर इन्वेजन होता है। बायोप्सी में मतलब ये होता है कि किसी टिश्यू को सैंपल के रूप में निकालना। अब सैंपल के रूप में निकालेंगे तो टिश्यू तक पहुंचना पड़ेगा, ऑर्गन तक पहुंचना पड़ेगा, अप्रोच करनी पड़ेगी, एंड दिस कैन बी डन बाय बायोप्सी। तो बायोप्सी इज अ टाइप ऑफ इन्वेजिव टेक्निक ऑफ डायग्नोस्टिक कैंसर। बायोप्सी के द्वारा अपन क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू के सैंपल को लेते हैं और उसमें सेल को स्टेन करके, उनको अभिरंजित करके, उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं और ये पता करते हैं कि क्या इनमें से कोई सेल्स वो कैंसरियस सेल में तो रूपांतरित नहीं हो गई हैं या ये जो है मतलब खतरा है उसका। ये है बायोप्सी का तात्पर्य। आंसर क्या हो जाएगा इन्वेजिव टेक्निक का? बायोप्सी। नेक्स्ट, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉयर। लाइसोजाइम कहां प्रेजेंट है? सलाइवा में या फिर टीयर्स के अंदर। ये बैक्टीरियोलाइटिक होते हैं, सेलेक्टेड बैक्टीरिया को जो कि अपने बॉडी के अंदर पहुंच के डैमेज कर सकते हैं उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम क्या कर रहा है? कुछ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सभी वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कुछ फंगस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वायरस इंफेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो किसको डिस्ट्रॉय कर सकता है? ओनली सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। आंसर इज वन। अब ये NCERT का क्वेश्चन है, HIV that causes AIDS first start destroying। HIV जो कि क्या कर रहा है? AIDS कर रहा है। वो सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करता है? मैक्रोफेज को, टी हेल्पर सेल को, न्यूट्रोफिल को या मोनोसाइट को? इस क्वेश्चन को आप जरा देखें तो इसके अंदर मैक्रोफेजेस आप पढ़ते हैं एक फैक्ट्री की तरह काम करने लग जाती है। फैक्ट्री ऑफ HIV ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आंसर क्या हो गया? सेकंड, टी हेल्पर सेल्स। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर, हमारे शरीर में उपस्थित एंटीबॉडीज क्या होती हैं? तो ये दो हैवी चेन्स हैं और दो ये लाइट चेन्स। किसकी चेन है? पॉली पेप्टाइड चेन्स हैं। प्रोटीन्स नहीं है, स्टीरॉइड नहीं है, पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये क्या है? अमीनो एसिड की चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। आंसर है दो। ओपिएट नार्कोटिक है ना, ओपिएट नार्कोटिक जो होती है वो पेपावर सोमनीफेरम उससे निकाली जाती है। तो ये हेरोइन जो होती है इसको अपन बोल देते हैं स्मैक, ये इस कैटेगरी में आ जाती है। ये तो टोबैको के अंदर है और ये जो दोनों हैं ये कैनबिनॉइड्स, भांग और चरस। अपन ने पूछा ओपिएट, तो ओपिएट है हेरोइन। आंसर है थ्री। पढ़ रखा है आपने, इसमें एसिडाइलेशन होता है और एसिडाइलेशन से वो प्रोसेस जो होता है उससे ये स्मैक या हेरोइन बन जाती है, मॉर्फिन।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 102, आउटब्रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट, आउटब्रीडिंग कब की जाती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, एक लाइन का आंसर है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब होगा, जब आप एक ही ब्रीड को बार 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 उसी के अंदर क्रॉस करवाए जा रहे हैं, तो उसमें जो है हो जाएगा सिटी तो बढ़ जाएगी, जो हार्मफुल जीन्स हैं वो निकल के सामने आ जाएंगे, सारी चीज़ें पॉइंट्स वाइज आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखी हैं सारी। तो आउटब्रीडिंग किस काम में आती है, यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अंतर प्रजनन अवसाद को दूर करने के लिए बड़ी प्रजनन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल अपन किसमें नहीं करेंगे, इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, ठीक है ना, ये तो इनब्रीडिंग का हो गया। इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, इनब्रीडिंग से सुपीरियर जीन एक साथ एक जगह आ जाते हैं। इनब्रीडिंग इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन ऑफ द एनिमल्स, तो इनब्रीडिंग के फायदे बताए गए हैं आप, ये क्या बताया गया, इनब्रीडिंग के बेनिफिट्स एडवांटेजेस, ये बात हो रही है। आउटब्रीडिंग का इस्तेमाल कब होता है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहां पर, 1। कंपेयर्ड टू ए बुल, ए बुलक इज डोसाइल बिकॉज ऑफ, एक सांड की तुलना में बैल को पालना आसान होता है, कारण क्या है कि उसके अंदर टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है, वृषण को हटा दिया जाता है, तो वृषण को हटाने से क्या होगा, टेस्टिस रिमूवल, ये कहलाता है कास्ट्रेशन। ये होते हैं कास्ट्रेटेड मेल्स, कास्ट्रेशन हो चुका है तो क्या है, टेस्टिस नहीं है तो शरीर में लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होंगे, एग्रेसिवनेस कम हो जाएगी, उसकी एग्रेसिवनेस जो है वो कम हो जाएगी, उसको पाल सकते हैं आसानी से, उसके अंदर लोअर लेवल्स ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन, रक्त में टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होंगे, तो टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है, एग्रेसिवनेस को बढ़ाता है, एग्रेसिवनेस को बढ़ाएगा तो उसको अपन पाल नहीं सकते, ये इसका आंसर है। सेकंड, इन क्लोनिंग ऑफ कैटल ए फर्टिलाइज्ड एग इज टेकन आउट ऑफ द मदर्स वॉम्ब, एंड एक पशु का क्लोन तैयार करने हेतु माता के गर्भाशय से नीचे से अंडाणु को निकाल लिया जाता है, जब अंडाणु को अपन निकाल लेंगे तो उसको सरोगेट मदर में अपन ट्रांसफर कर देते हैं निकाल के, और वहां पर फिर वो आगे का डेवलपमेंट पूरा होता है। तो ये स्टेटमेंट है, इन एट सेल स्टेज आठ कोशिक अवस्था में सेल्स आर सेपरेटेड, कोशिकाओं को पृथक कर लिया जाता है एंड कल्चर्ड, उनको कल्चर कराया जाता है, संवर्धित कराया जाता है, जब तक कि छोटे छोटे एम्ब्रियो डेवलप ना हो जाए, विच आर इम्प्लांटेड इनटू वॉम्ब ऑफ अदर काउस, और उन छोटे छोटे एम्ब्रियोस को क्या करेंगे, वो मदर काउ से निकाल के सरोगेट काउस के अंदर एक एक करके रख देंगे, अब वो मदर काउ फिर फ्री हो गई, आप समझ रहे हो बात को, पहले तो इंसेमिनेशन करवाया है ना, इंसेमिनेशन करा के क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जायगोट बन गया, जायगोट को अपन ने एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर उसको निकाल के अलग 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 आठ गायों के अंदर यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। अब जब ट्रांसफर कर दिया तो वो जो मदर काउ थी वो तो फ्री हो गई ना, अब उसको वापस से जो है ओव्यूलेट करवा के वापस से उसको इंसेमिनेट करवा के और दोबारा से उससे फिर एम्ब्रियो निकालते रहते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये प्रोसेस चलता रहता है, है ना। तो ये मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है, आप पढ़ते हैं इस टॉपिक को MOET, उसके अंदर ये काम होता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन एट सेल स्टेज द इंडिविजुअल सेल्स आर सेपरेटेड अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट इन कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम में तो अपन उसको डेवलप नहीं करवा रहे, ये एनसीईआरटी से सीधी लैंग्वेज ली गई है,
फ्रॉम दिस अप टू 8 आइडेंटिकल ट्विन्स कैन बी प्रोड्यूस. इनसे क्या आइडेंटिकल ट्विन मिलेंगे? 8. वो आइडेंटिकल ट्विन्स ऑब्टेन करने के लिए थोड़ी करवा रहे हो आप इस काम को. चौथा है, द एग इज डिवाइडेड इनटू 4 पेयर्स ऑफ सेल्स व्हिच आर इम्प्लांटेड इनटू द वॉर्म ऑफ अदर क्राउन. अंडाणु को 4 जोड़ी कोशिकाओं में विभाजित कर दिया जाता है और उन्हें अन्य गाय के गर्भाशयों में रोपित कर दिया जाता है. ऐसा भी नहीं करते कि साहब 4 जोड़ी को अलग कर लिया और 2 गायों में लगा दिया, 4 गायों में लगा दिया, तो वो भी नहीं करते. पर ये सही स्टेटमेंट है कि 8 कोशिका अवस्था में कोशिकाओं को सेपरेट करके कल्चर करा के अलग अलग एम्ब्रियो डेवलप करवाया और उन एम्ब्रियो को फिर अपन ने दूसरी गाय के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया और वो कहलाती है फिर सरोगेट मदर. आंसर इज 1. 20 वैक्स इज यूज्ड इन, मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल होता है. तो ये प्रिजर्वेटिव नहीं है, प्रिजर्वेटिव तो हनी होता है, प्रिजर्वेटिव तो हनी है, शहद है. मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में नहीं होता. एल्कोहल के प्रोडक्शन में नहीं होता, तो इसमें होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, वैक्सी होता है सब्सटेंस. ये मोम जैसा होता है जो कि क्रीम बनाने के काम आ सकता है. कॉस्मेटिक्स जो होते हैं सौंदर्य प्रसाधन, उनके उत्पादन में इस 20 वैक्स का यूज होता है और ये हार्मलेस होता है. एक्वाकल्चर का मतलब क्या है? एक्वाकल्चर मतलब पानी के अंदर इस प्रकार के जीवों का कल्चर जिसको खाया जा सके. अब उस पानी में मछलियां भी पाल सकते हैं, उस पानी में झींगे भी पाल सकते हैं, उस पानी में ऑयस्टर यानी कि मोलस्का के मेंबर जिनको खाया जा सकता है उनको भी पाल सकते हैं. ये सामूहिक रूप से जब अपन इसको संवर्धित कराते हैं ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्वा कल्चर. तो इस कल्चर के अंदर फ्रेश वाटर फिशेस को आप कल्चर करा सकते हो, प्रॉन को कल्चर करा सकते हो और दूसरे खाने योग्य एडिबल एक्वाटिक एनिमल्स को भी कल्चर करवा सकते हो आप, है ना. इसमें अपन मैरीन फिशरीज को कल्चर नहीं करवा रहे, इसमें अपन केवल एक्वेटिक प्लांट को कल्चर नहीं करवा रहे, इसमें केवल फ्रेशली एडिबल फिशेस को कल्चर नहीं. ये एक तरह का कंपोजिट फार्मिंग जैसे होती है ना, कई फसलें एक साथ बहुत ही अलग अलग हिस्सों में, उस तरह का होता है. इसके अंदर सब चीजें ऑब्टेन की जा सकती हैं. तो आंसर है 2, एक्वा कल्चर. अगर पीसी कल्चर आ जाता तो पीसी कल्चर में सिर्फ मछलियां आती हैं, उसमें दूसरे जीवों का जो है वो संवर्धन नहीं होता, दूसरों को अपन कल्चर नहीं करवाते. ब्लू रिवॉल्यूशन, बात वही आ गई, ब्लू तो पानी होता है ना. इससे रिलेटेड है तो ये एडिबल एक्वाटिक एनिमल्स जिनका अपन ने भी जिक्र किया है उनके जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है वो प्रोसेस, उसको नाम दे दिया गया ब्लू रिवॉल्यूशन. आपको पता होगा इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है एक्वाटिक एनिमल्स का, जो खाने योग्य होते हैं एडिबल होते हैं उनका. तो इनका प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो नेचुरली इंडिया की इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्पर होगी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो स्ट्रांग होगी. तो इस पर काफ़ी फोकस दे रही है गवर्नमेंट. ब्लू रिवॉल्यूशन इसी का नाम है. इससे अपने को सिंचाई से कोई लेना देना नहीं है, पानी से कोई लेना देना नहीं है, इससे अपने को क्रॉप प्रोडक्शन से कोई रिलेशनशिप नहीं है. ब्लू रिवॉल्यूशन का सीधा सीधा मतलब यह है कि एडिबल एक्वाटिक एनिमल्स यानी खाने योग्य जलीय जंतु के उत्पादन जो है उसके अंदर वृद्धि करते हैं. आंसर 2 है. सेकंड, एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स. एक्सोटिक ब्रीड्स ऐसे एनिमल्स की ब्रीड है जो कि लोकल नहीं है. लोकल का मतलब है अपन इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन ब्रीड्स नहीं है. उनको अपन अपने फायदे के लिए किसी दूसरे कंट्री से यहाँ लेकर आए और वो फायदा क्या था, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, उनकी उत्पादकता अधिक होती है. मान लीजिए 5 गायें मिलकर जो है वो दिन में 5 किलो दूध दे रही है तो डेली का 25 किलोग्राम 25 लीटर मिल्क प्रोडक्शन हो गया. एक आपने उसको एक्सोटिक काउस प्रोडक्शन देगा तो वो प्रोडक्शन 5 लीटर ना हो गया, हो सकता है 10 लीटर हो सकता है उससे भी ज्यादा हो. प्रोडक्शन बढ़ाने का पर्पज होता है एक्सोटिक ब्रीड से ब्रीड करवाना उसको, है ना. बाहर से इसीलिए लाया जाता है, उसका डिजीज रेजिस्टेंस इतना अच्छा नहीं होता जो लिख लिख रखा है इसमें, कम उत्पादकता ये नहीं है, पैथोजन की रेजिस्टेंस कम ये नहीं है, है ना. ये बाहर की है.
आउटसाइड इंडिया यूज फॉर क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं और उससे अच्छी जो कह सकते हैं ना प्रोडक्टिविटी देने वाली वो जो स्पीशीज हैं जो वो जो ब्रीड्स हैं वो तैयार करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग से। इनका यूज किस में होता है? क्रॉस ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन के लिए होता है इनका यूज। आंसर इज वन। सरोगेट मदर इज बेस्ट डिफाइंड एज। सरोगेट माता को सबसे अच्छी तरह किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? मदर विदाउट लैक्टेशन। लैक्टेशन से सरोगेसी का कोई लेना देना नहीं है। सरोगेट मदर तो वो है कि साहब एम्ब्रियो को लेकर उसको ट्रांसफर कर दिया और वो पूरी प्रेगनेंसी उस महिला ने जो है वो अपने सर पे ले ली। यहां पर है मदर फ्यूचर मदर विद एम्ब्रियो इम्प्लांटेड फ्रॉम अनदर। उसका एम्ब्रियो उसका खुद का नहीं है, वो कहीं और से उसके बॉडी में लाके इम्प्लांट किया गया है। भविष्य की माताएं जिनमें दूसरों से प्राप्त भ्रूण को रोपित किया गया है वो कहलाती है सरोगेट माता, सरोगेट मदर। इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं है कि साहब 10 बच्चे एक साथ हो रहे हैं कि 5 बच्चे एक साथ हो रहे हैं कि 2 बच्चे एक साथ हो रहे हैं। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन नहीं। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन होता तो उससे तो खुद का बच्चा हो जाता, फिर वो सरोगेसी नहीं रहती। सरोगेसी में तो किसी दूसरे का है ना। मदर विदाउट लैक्टेशन इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा यहाँ पे? 2। फिर आ रहा है म्यूल इज स्टराइल एंड इन द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ। ये मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी, यहां पर इज आना चाहिए था। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड होता है ये फीमेल हॉर्स और मेल डंकी का। फीमेल हॉर्स कहलाती है मेयर और ये मेल डंकी ये कहलाता है जैक। इनके हाइब्रिडाइजेशन से बनता है म्यूल। ये हार्ड कंडीशंस के अंदर, टफ कंडीशंस के अंदर वजन उठाना के काम में इसको लिया जाता है, खच्चर को पहाड़ी जगह पे, है ना। रेजिस्टेंट होता है काफी है, लेकिन स्टराइल होता है। आंसर है इसके अंदर सेकंड। द ब्रॉयलर्स आर द बर्ड्स रेज फॉर। ब्रॉयलर ये बाजार में जो मिलते हैं ये बेसिकली किस लिए इनको ग्रो कराया जाता है? इनको ग्रो कराया जाता है खाने के लिए, एडिबल होता है, खाने के लिए कराया जाता है, मीट के लिए कराते हैं, अंडों के लिए नहीं कराते ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स किसके लिए होते हैं? मीट के लिए। एग्स के लिए तो होते हैं लेयर्स, लायर्स, लायर्स कहलाते हैं। अंडों के लिए करते हैं। मुर्गे लड़ाने के लिए तो कॉक फाइटिंग के लिए फिर भी अलग ही होते हैं, जैसे असील है और वो दूसरे कई मुर्गे हैं जो लड़ाने के लिए इनको गेम कहते हैं ना, गेम बर्ड्स कहलाते हैं। फैदर्स के लिए नहीं कराते, फैदर्स के लिए तो पीकॉक और इंडा होता है, फिर वो मिसयूज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर क्या हो गया? मीट के लिए। ब्रॉयलर का उपयोग किस में हो रहा है? मीट के उत्पादन। मैरिन एडिबल फिशेस, खाने के काम में आने वाली समुद्री मछलियां। ये तो लर्निंग वाला पॉइंट है। सालमन और पॉम्फ्रेट दोनों को खाया जाता है। ये फ्रेश वाटर है, ये भी सेम हो गया, ये तो दोनों ही फ्रेश वाटर है। इसमें ये फ्रेश वाटर है, इसमें ये फ्रेश वाटर है, ये मैरीन है। तो ये मैरीन दोनों है, ये भी मैरीन है, ये भी मैरीन है, जो कि खाने में काम आती है। मैरीन एडिबल फिशेस सालमन एंड पॉम्फ्रेट। इनफर्टिलिटी ऑफ लोकल ब्रीड्स ऑफ कैटल कैन बी ओवरकम बाय यूज ऑफ। जो पशु हैं उनकी जो लोकल ब्रीड्स हैं उन अगर बार बार अपन इनब्रीडिंग कराएंगे तो क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं? उनको क्रॉस ब्रीड करा देते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स के साथ। तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? इनफर्टिलिटी का केस है। बंधेता को किस तरह से दूर करोगे आप? अरे बंधेता है इसका मतलब तो क्या है कि गेमेट ही नहीं बन रहे ना यार, स्टराइल है ना।
क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए आप और उसके बाद में उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी को सबसे पहले अपन हॉर्मोन्स की हेल्प से ठीक करते हैं। हॉर्मोन्स कौन से हैं आपके? गोनेड्रोपिन्स, जिनमें अपन काम में लेते हैं FSH, LH, ये सब। इनफर्टिलिटी में आप क्रॉस ब्रीड करा के भी क्या कर लोगे, क्योंकि वो तो अंडे ही नहीं बन रहे। आप समझ रहे होंगे बात को, क्रॉस ब्रीड करा के भी आप क्या कर लोगे, क्योंकि उसमें तो एग ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्रॉस ब्रीड तो जब सक्सेसफुल है जब एग प्रोड्यूस हो रहा हो, है ना। नरिशमेंट दे दोगे, अच्छा बढ़िया खिला रहे हैं, लेकिन अंडे नहीं बन पा रहे। खाने से अंडे का लेना देना ही नहीं होता, इससे भी नहीं होगा। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड, अरे यार जब है ही स्टराइल, जब है ही इनफर्टाइल, तो हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी होगा उसके अंदर, ये भी गलत है। तो इसमें गोनेड्रोपिन देके उसको ठीक किया सकता है, ये है इलाज। इसमें आपको थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा, इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए हॉर्मोन्स देने पड़ते हैं, न कि उसकी क्रॉस ब्रीडिंग या दूसरे मेथड को काम में लिया जाए। आंसर क्या है? 3, यूज ऑफ गोनेड्रोपिन, गोनेड्रोपिन के उपयोग द्वारा। लेगॉन इज द इंप्रूव्ड ब्रीड ऑफ, ये तो मुर्गा है लेगॉन, एनसीईआरटी में फोटो दिया हुआ है इसका। इट इज ए टाइप ऑफ चिकन, ये कुत्ता ये गाय या भेड़ नहीं है। हाउस फ्लाई कैन बिकम ए कैरियर ऑफ, हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी से कौन सा रोग फैल सकता है बेटा? टाइफाइड फैल सकता है उससे, फाइलेरियासिस। तो ये तो एडिस से होता है, एडिस क्यूलेक्स वगैरह से, इनसे हो सकता है। रिंगवॉर्म है, ये आपको मैंने बता दिया। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुओं से फैलता है। डेंग, ये मच्छरों से फैलता है। तो मक्खियों से कौन सा फैल सकता है? वो टाइफाइड फैल सकता है, गंदगी के साथ, है ना, अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर। पेपावर सोमनीफेरम निम्न में से एक किसका स्रोत है? पेपावर सोमनीफेरम से तो ये मॉर्फिन निकालते हैं ना अपन, ये पेन किलर की तरह काम करती है। अफीम है ना, ओपियम, कैफीन, ये तो कॉफी हो गई, कोकेन, ये इरिथ्रोजाइलम, कोका से हो रही है, ये कॉफी हो गई, कॉफी प्लांट है कैफी अरेबिका, है ना। निकोटीन, ये तंबाकू से है। तो मॉर्फिन है जो कि पेन किलर की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसके डेरिवेटिव्स को यूज करता है एपावर सोमनीफेरम। आंसर क्या हो गया आप? 3, ठीक है, सब समझ में आ गया होगा आपको। मॉर्फिन, फिर आ रहा है क्वेश्चन, डेंगू एंड चिकनगुनिया कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू एंड चिकनगुनिया इनका ट्रांसमिशन होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो की बाइट्स। मेल मॉस्किटो चाहे वो एडिस हो, चाहे वो क्यूलेक्स हो, चाहे वो एनोफिलीज हो, वो ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। उसके माउथ पार्ट्स इस तरह के नहीं होते कि ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट कर सकें, ठीक है। तो मेल मॉस्किटो कभी ट्रांसफर नहीं करेगा डिजीज, ये सिर्फ फ्लावर्स का नेक्टर सक कर सकता है। हाउस फ्लाई, ये मच्छर से होने वाले जो डिजीज है, जैसे डेंगू चिकनगुनिया, इनका ट्रांसमिशन हाउस फ्लाई से नहीं होता, है ना। ड्रॉपलेट से डेंगू चिकनगुनिया नहीं फैलता, डेंगू जो डेंगू चिकनगुनिया दोनों फीमेल एडिस मॉस्किटो की बाइट से ही फैलते हैं, ड्रॉपलेट से नहीं फैलते। आंसर है 3, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लांट कैनाबिस इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, कैनाबिस पादप का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? कैनाबिस सटाइवा, देखो मॉर्फिन अभी अभी देखा अपन ने, ये किससे हो रहा है? मॉर्फिन का प्रोडक्शन पेपावर सोमनीफेरम से। कोकेन, ये हो रहा है इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। मैरिजुआना ये है, स्मैक ये आप सब जानते हैं, हेरोइन ये पेपावर सोमनीफेरम से।
डिराइव होते हैं। कैनबिस से डिराइव होता है हशीश, गांजा, भांग और ये मैरिजुआना। करेक्ट आंसर इज मैरिजुआना। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई भैया शॉर्टकट या कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है, ये आपको सिर्फ लर्न करना पड़ेगा, सिर्फ इसको जो है याद करना पड़ेगा। आंसर इज टू। Which one of the following is obtained by acetylation of morphine? Morphine के acetylation से क्या बनाते हैं अपन? तो इससे अपन बनाते हैं स्मैक, जिसको अपन diacetyl morphine कह देते हैं। या हेरोइन कहलाती है। नार्कोटिक ड्रग्स हैं ये सारी, आपने ये पढ़ लिया, ये सारे के सारे ये क्या है? कैनबिनॉइड्स। लास्ट क्वेश्चन, द ड्रग विच इज अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट पर्सन जो खिलाड़ी लोग होते हैं, वो अपनी एनर्जी में इजाफा करने के लिए, अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये यूज करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स से क्या होता है? इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा का उत्पादन है वो बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन के एनालॉग लेके उनको कौन सी ग्रोथ करवानी है? लंबाई इतनी बढ़नी थी, बढ़ गई। कोकेन, ये इसका कोई स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोई बेनिफिशियल रोल नहीं है, तो नार्कोटिक ड्रग है। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये तो पेन किलर्स होते हैं, इसका अब्यूज नहीं करता हो। अपन कह रहे हैं अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है बेटा मिसयूज, दुरुपयोग। तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या कर रहा है? ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाता है, एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसलिए इसका मिसयूज होता है। तो ड्रग जो अब्यूज करता है स्पोर्ट्स पर्सन, वो होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डीटीएस। आई होप आई हैव मेड मायसेल्फ वेरी क्लियर इन दिस डिस्क्रिप्शन एंड आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। Thank you very much.